आगे की स्लाइड देखो तुम लोग, ये पशुओं के अंदर सारी प्रक्रियाएं खत्म हो चुकी है। अब अगला टॉपिक आ रहा है जो गोबर, पशुओं का जो मुख्य अपशिष्ट पदार्थ होता है, इसके रेस्पेक्ट पर हम बात करेंगे। गोबर वैसा बड़ा खतरनाक उत्पाद है जिसको अपन गोबर गोबर कहते हैं, तो ये गोबर काफ़ी औषधियों के तत्वों के और खूब सारे बेनिफिटों के साथ में पाया जाता है। इस गोबर में देखना, गोबर में कुछ तत्वों के नाम लिखे हुए हैं। गोबर में खूब सारे एलिमेंट पाए जाते हैं, खूब सारे तत्व पाए जाते हैं। कौन कौन से तत्व है, तो सबसे ऊपर लिखा हुआ है एन। एन का मतलब नाइट्रोजन। गोबर के अंदर नाइट्रोजन अच्छी खासी पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। दो नंबर पर लिखा हुआ पी। पी का मतलब पोटेशियम नहीं है, यस, पी का मतलब होता है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस पाया जाता है, फॉस्फोरस पाया जाता है। के का मतलब, यस, के का मतलब होता है पोटेशियम। पोटेशियम पाया जाता है। और क्या लिखा हुआ है, एफ ई, एफ ई, एफ ई का मतलब होता है आयरन। लोह तत्व पाए जाते हैं थोड़ी सी मात्रा में। अगला लिखा हुआ है जेड एन, जिंक पाया जाता है। उसके साथ में लिखा हुआ है एम एन। Mn का नाम होता है मैंगनीज, ये गोबर के अंदर पाया जाता है। उसके साथ में लिखा हुआ है Cu, Cu का मतलब कॉपर पाया जाता है। फिर लिखा हुआ है B, बेरिलियम नहीं है, बेरिलियम का Be होता है। अरे ये बोरॉन है, पांच नंबर पे आता है, बोरॉन पाया जाता है। फिर लिखा हुआ है Mo, यस यस, वेरी गुड, बच्चे ने नाम भी बोल दिया इसका। इसका नाम होता है मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम, इसको मोलिब्डेनम पढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है बोरेक्स, ये बोरेक्स भी पदार्थ पाया जाता है, बोरेक्स पाया जाता है। अगला लिखा हुआ है एने, एने का मतलब सोडियम, सोडियम भी गोबर में पाया जाता है। और लास्ट में लिखा हुआ है एस, सल्फर पाया जाता है। ये सारे तत्व गोबर के अंदर पाए जाते हैं। और एक किताब ये भी लिखती है कि लगभग 16 से अधिक तत्व पाए जाते हैं, ये सारे के सारे तत्व पाए जाते हैं। मैंगनीज सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित पौधों के लिए बहुत अच्छा तत्व होता है, वो केवल गोबर में मिलता है, बाकी हरेक में नहीं मिलता है। आजकल कैंसर के मामले बढ़ते जा रहे हैं, कारण आजकल 3G 4G 5G हो चुका है, और ये जो मोबाइल की टावर है इनकी किरणें जो निकलती है वो इतनी तेज गति से निकलती है, आप अगर कुएं के अंदर 10-15-20 फीट अंदर बैठे हो ना तो भी मोबाइल का टावर पकड़ लेता है। आप 10 मंजिल मकान के नीचे बैठे हो, ऊपर टावर है, 10 छतों को पार करके तुम्हारी मोबाइल में टावर आ जाता है। ये जो तरंगे निकलती है, ये IR तरंगे होते हैं, बहुत खतरनाक तरंगे होती है, बॉडी के ऊपर कैंसर फैलाने का काम करती है। कोई व्यक्ति आपने देखा होगा, भाई साहब कोई नशा पता नहीं फिर भी कैंसर हो जाता है, उसका कारण ये रेडिएशन होती है, ये सारी तरंगे होती है। लेकिन जो व्यक्ति गोबर के घरों में रहता है, गोबर की लीपापोती कर रखी है, कैंसर होता ही नहीं है। कारण जो गोबर के मकानों में रहता है, एक तो गोबर की स्मेल, गोबर की स्मेल में ये सारे तत्व कैंसर होने ही नहीं देते। दूसरा पॉइंट, कैंसर के अंदर क्या ना, गोबर के अंदर एंटी रेडियो एक्टिविटी पाई जाती है, ये जो एक्टिव किरणें आती है मोबाइल की, इन तरंगों को रोकने का काम करता है, अपनी बॉडी पे असर नहीं होने देता है। अगला पॉइंट, एंटी थर्मल, थर्मल का मतलब हीट पैदा नहीं होने देता। गोबर के मकान बहुत ठंडे रहते हैं, बेहद एसियां लगाने की जरूरत नहीं होती है, तो ये एंटी थर्मल होते हैं और एंटी रेडियो एक्टिव प्रवृत्ति के होते हैं, ये दोनों बहुत अच्छे इसके गुण रहते हैं। यस, नेक्स्ट आप हेडिंग नोट करो, गोबर तथा इसका निस्तारण, कैसे कैसे इसको यूज करते हैं, गोबर एवं इसका निस्तारण, गोबर एवं इसका निस्तारण। गोबर को पढ़ेंगे, फिर इसे गोबर गैस कैसे बनाते हैं। आपने गोबर गैस अगर इधर देखा हो, रामसर गढ़रा रोड की तरफ जाते हैं तो 13-14 किलोमीटर आगे एक नाम आता है गौशाला, मोहन गौशाला ऐसा करके कुछ नाम है। इधर की तरफ जाते हैं ना, रामसर रोड पे है, और बहुत शानदार बायोगैस का प्लांट लगा हुआ है, वो पूरा मैं दिखाऊंगा गोबर गैस बनती कैसे, वो आएगा निस्तारण में। अभी अपन गोबर के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसका निस्तारण भी पढ़ेंगे। यस, फर्स्ट पॉइंट आप नोट करो, लिखो, उपस्थित मुख्य तत्व, गोबर में उपस्थित मुख्य तत्व, उपस्थित मुख्य तत्व, मुख्य तत्व, एक बार इधर देख लो, ये उपस्थित तत्वों के अंदर ये जो NPK लिखा हुआ है इनको प्राथमिक तत्व कहते हैं, इसलिए इनको ऊपर की तरफ लिखा है NPK। कैसा भी पौधा हो,
उसको इन तत्वों की आवश्यकता होती, मतलब होती है, ये होने बहुत जरूरी है, इसलिए इनको प्राइमरी एलिमेंट कहते हैं। समझ रहे हो ना, प्राइमरी सबसे ज्यादा ये नहीं होंगे पौधा सहन कर लेगा, लेकिन नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये तीनों तत्व तो होने ही चाहिए, इसलिए इन तत्वों को प्राथमिक तत्व कहते हैं। खूब जगहों पे नाम आता, निम्न में से कौन सा प्राथमिक तत्व है, अब ऑप्शन दे देंगे जिसमें एक आधा कहीं और घुसा देंगे, लेकिन ये जो जोड़ा है ये तो सही होगा, बाकी कोई जोड़ा सही नहीं होगा। सीधा याद रख लेना एनपीके, सीधा याद भी रह जाएगा, इनको प्राथमिक तत्व कहते हैं। इधर की तरफ देखो मैंगनीज जो लिखा, इसको सूक्ष्म तत्व कहते हैं, कम मात्रा में चाहिए, ज्यादा दे दोगे तो पेड़ पौधे की पत्तियां पीली पड़नी स्टार्ट हो जाएगी, अरिमा हीनता हो जाएगी, फल टूट करके नीचे गिर जाएंगे, फूल टूट के नीचे गिर जाएंगे, ये सूक्ष्म मात्रा में जरूरी है, जबकि ये वृहद मात्रा में जरूरी है, ज्यादा मात्रा में चाहिए, इसलिए इनको प्राथमिक तत्व भी कहते हैं। तो कोष्टक में तुम लोग पास में ऐसा भी नोट कर लेना, वृहद मात्रिक तत्व, पेड़ पौधों को वृहद का मतलब ज्यादा मात्रा में चाहिए, ओके, ये नोट कर लो आप, और इन तीनों के आगे नोट करोगे प्राथमिक तत्व और लिखोगे वृहद मात्रिक तत्व, इनको प्राथमिक तत्व भी कहते हैं। यस, एक नंबर पे आप नोट कर रहे हो एन, एन का मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के बाद में फॉस्फोरस, नाइट्रोजन फॉस्फोरस, नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम एनपीके। चार नंबर पे जो आयरन लिखा हुआ, लोहा, ये लोहा खाना चाहिए, इससे अपनी बॉडी में हीमोग्लोबिन बढ़ता है, हीमोग्लोबिन बढ़ता है तो खून बढ़ता है, खून बढ़ेगा तो शरीर में ऑक्सीजन बढ़ेगी, ऑक्सीजन दिमाग में पहुंचेगी तो तुम्हें याद ज्यादा होगा, इसलिए सर्दियों के मौसम में अभी मार्केट में मूली आती है, मूला जानते हो ना, उसका वैज्ञानिक नाम है रेफिनस सेटाइवम, और गाय का वैज्ञानिक नाम था बोस इंडिकस, है ना, तो मूली खाओगे ज़्यादा, मूली खाओगे तो तुम्हारी लर्निंग पावर बढ़ेगी, क्यों, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है, दिमाग को पावर मिलना स्टार्ट होता है मूली के अंदर, और मूली खाते हैं उसमें चरकान होती है, मतलब ऐसे यूँ तीखी लगती है, उसका कारण लोह तत्व होता है। गाजर से आंखों की रोशनी बढ़ती है, गाजर, और इससे हीमोग्लोबिन बढ़ता है। जिंक, जिंक से अपनी बॉडी के अंदर इंसुलिन की मात्रा बढ़ती है, इंसुलिन तुम लोग जानते हो, पढ़ा होगा कभी, शुगर को कंट्रोल करने में काम आता है, इंसुलिन अग्नाशय से निकलता है, उसके साथ में मैंगनीज, फिर कॉपर, फिर बोरॉन, मोलिब्डेनम, बोरेक्स, सोडियम, सल्फर, ये सारे तत्व पाए जाते हैं। यस, आपने तत्व नोट कर लिए है, तत्वों के अंदर सबसे फर्स्ट पे था नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, आयरन, जिंक, मैंगनीज, कॉपर, बोरॉन, मोलिब्डेनम, बोरेक्स, सोडियम और सल्फर, ये पाई जाती है। इसके बाद में जो गोबर है, इसमें जो प्राथमिक तत्व है या जिसको कहते हैं वृहद मात्रिक तत्व, ये किस किस अनुपात में पाई जाती है, प्रतिशत मात्रा क्या होती है, ये भी ध्यान रखोगे। नाइट्रोजन 0.3 से 0.7 के बीच में होता है, और फॉस्फोरस और पोटेशियम दोनों को देखें तो फॉस्फोरस P4 15,
पी फॉस्फोरस को कहते हैं, ये 0.1 से 0.5 तक होता है, और पोटेशियम की मात्रा 0.3 से 0.5 के बीच में होती है। ये इनकी मात्रा है और ये पोषक तत्व अति आवश्यक होते हैं, इसलिए इनको प्राथमिक और वृहद मात्रिक के नाम से जानते हैं। गोबर में दो गुण पाए जाते हैं, एक तो ये प्रति रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है और दूसरा एंटी थर्मल होता है, तापमान को बढ़ने नहीं देता है। यस, नोट करो आगे नेक्स्ट में गोबर के गुण प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है गोबर के अंदर, गोबर के गुण। गोबर के गुणों के अंदर फर्स्ट नोट करो, एक नंबर पे प्रति रेडियो सक्रिय गुण, प्रति रेडियो सक्रिय गुण, प्रति रेडियो सक्रिय गुण मोबाइल की जो रेडिएशन तरंगे आती है उनको रोकने का काम करता है, कैंसर से बचाता भी है व्यक्ति को। कैंसर का अध्ययन ऑन्कोलॉजी कहलाता है। अभी कितना दिमाग में रहेगा मुझे नहीं पता, जब सामान्य विज्ञान आएगी तब तुम लोगों को वापस पढ़ना पड़ेगा। ऑन्कोलॉजी, ऑन्कोलॉजी का मतलब होता है कैंसर का अध्ययन। कैंसर का जब अध्ययन करते हैं तो कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी कहते हैं, और ये कैंसर को रोकने का काम एंटी रेडियो एक्टिव नेचर पाया जाता है। दूसरा गुण नोट करो आप, प्रति ऊष्मीय गुण, प्रति ऊष्मीय हीट को बढ़ने से रोकता है, प्रति ऊष्मीय गुण पाए जाते हैं इसके अंदर। एक तो है एंटी थर्मल और दूसरा है एंटी रेडियो एक्टिव। ये वाला अनुपात आप नोट करो, नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटेशियम, नाइट्रोजन होता है 0.3 से 0.7 प्रतिशत एनपीके, कैलाश, कैलाश जी क्या हाल चाल है, कैलाश जी, कैलाश, हाँ अब ये बच्चा टेंशन में, आप मेरे को कैसे जानते हो। लो ये नोट कर लिया, अभी थोड़ी देर पहले तुमने लिखा था वैज्ञानिक नाम गाय का, बॉस इंडिकस, वो वैज्ञानिक नाम दिए किसने थे, कैरोलस लीनियस ने दिए थे। ओके, वो घोड़े में बधियाकरण क्या कहलाता था, गोल्डस नहीं था, वेल्डिंग नहीं था, हाँ गेल्डिंग था, वेल्डिंग नहीं था, वेल्डिंग नहीं था, गेल्डिंग था। ओके यस, कैंसर का अध्ययन क्या कहलाता है, ऑन्कोलॉजी कहलाता है। गोबर की जो खाद है उसको बनाने की कुछ विधियां हैं। अपने यहाँ पे क्या होता है, नॉर्मल जहां पे गाय पशु बांधते उसको क्या बोलते हो, बथौन बोलते हो, अपने यहाँ क्या बोलते हैं, यही बोलते हो, हमारे वहाँ तो ये बोलते हैं, जो स्थान होता है वहाँ से गोबर को उठा के और एक ढेर बना देते हैं, और ये ढेर बनाते हैं तो ये सबसे ज़्यादा वर्तमान में तो यही चलता है, हर घर में देख लो यही चलता है, बस पशुओं से गोबर उठाया एक जगह पे ढेरी लगा देते हैं। और ये जो प्रक्रिया है ये दोषपूर्ण विधि भी होती है। नॉर्मल गोबर है, गोबर की अगर गंध निकलेगी तो उसमें मैथेन निकलती है, वातावरण शुद्ध होता है, कोई प्रदूषण नहीं होता, गोबर से कोई प्रदूषण नहीं है, तो दोषपूर्ण विधि होती है। और इस प्रक्रिया से गोबर से खाद बनने में लगभग 6 से 8 महीने लग जाते हैं। ऊपर की खाद सड़ती नहीं है लेकिन अंदर की खाद ना पूरा का पूरा उसमें बुरादा बन जाता है, तो इस प्रक्रिया में मोस्टली 4-5-6 महीने तक ढेर वैसे ही पड़ा रहता है, फिर ट्रैक्टर बुलाओ के इन भर के अंदर खेतर में डाल के आ जाते हैं, ऐसे ही अपन करते हैं। तो इसको कहते हैं डेयरी विधि, और सबसे प्रचलित विधि है, ढेर लगा देते हैं बड़ा सा गोबर का। अगला है गड्ढा विधि। इस गड्ढे विधि के अंदर क्या होता है, एक गड्ढा खोदते हैं, जैसे 3 फीट चौड़ा, 2 फीट लंबा और 1 मीटर तक गहरा कर देते हैं, 3 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर, ऐसे गहरा गड्ढा करके उसमें गोबर डालते हैं। तो ये प्रक्रिया ज़्यादातर खेतीबाड़ी वाले करते हैं, जिनके पास में केंचुए होते हैं तो वो लोग इसको करते हैं। अगला लिखा हुआ है ट्रेंच विधि। ट्रेंच का मतलब होता है खाई, खाई खोद देते हैं, ऐसे लंबी खाई खोद देते हैं, और लंबी खाई में भी लिखा हुआ है 6 मीटर और फिर 1.5 मीटर ऐसे चौड़ी, लगभग 4-5 फीट, 6 फीट क्या ना, लगभग 18-20 फीट लंबी
और लगभग 1 मीटर गहरी कर देते हैं। तो ऐसी खाई खोद करके उसमें गोबर को डाला जाता है। तो ये है एक विधि का नाम है एडको विधि। ये ज्यादातर इंग्लैंड में अपनाई जाती है, इंग्लैंड के अंदर अपनाते हैं जहां पे कुछ मशीनों के द्वारा गोबर खाद ये कन्वर्ट किया जाता है। तो ये खाद बनाने की कुछ विधियां रहती है, डेयरी विधि है, गड्ढा विधि है, ट्रेंच विधि है और एडको विधि है। ओके, आप विधियों के डायरेक्ट नाम नोट कर लो, बाकी क्लास यहाँ पे फिनिश कर लेते हैं। जैसा पढ़ा है इसको एक बार नोट कर लो आप। फर्स्ट पे नोट करोगे खाद बनाने की विधि, और फर्स्ट में है ढेरी विधि, ढेर लगा देते हैं, और फर्स्ट इसको लिखते हैं वर्तमान प्रचलित विधि है, वर्तमान प्रचलित विधि। दूसरा दोषपूर्ण विधि, दोषपूर्ण विधि है, और तीसरा 6 से 8 माह लग जाते हैं, 6 से 8 माह लगते हैं। 2 नंबर पे केवल नाम लिख लो गड्ढा विधि, 3 नंबर पे लिखो ट्रेंच विधि, 2 नंबर पे गड्ढा विधि और 3 नंबर पे ट्रेंच विधि। ट्रेंच के कोष्टक में लिख लेना खाई, ट्रेंच खाई विधि कहते हैं, और लास्ट में आप लिखोगे एडको विधि। ये एडको ज्यादातर इंग्लैंड के अंदर अपनाई जाती है। ओके, तो ये अपन यहीं तक फिनिश करते हैं। एडको विधि इंग्लैंड नोट कर लिया तुमने? हाँ, गड्ढा विधि है, खाई विधि है, डेयरी विधि है और एडको विधि। और कल की जो क्लास रहेगी उसमें अपन गोबर गैस का प्लांट देखेंगे, और इसमें गोबर गैस बनती कैसे है, कहाँ उपयोग होती है, गोबर गैस में कौन सी गैस बनती है जिसका उपयोग अपन ईंधन में करते हैं, कौन सी होती है? मिथेन बनती है। प्रश्न आता मिथेन कितने परसेंट होती है? 55% होती है, 55 से 65 के बीच में होती है, सही रेंज है। तो आज अपन इसका वर्गीकरण और वर्णन भी करेंगे। सबसे पहले थी डेयरी विधि, सबसे ज्यादा प्रचलित, पशुओं के स्थान से गोबर इकट्ठा करके ढेर लगा देते हैं, और ये दोषपूर्ण विधि है, इतना कोई इसमें प्रदूषण नहीं फैलता, क्योंकि विशेष करके पशुओं के अपशिष्ट से प्रदूषण फैलता भी नहीं है। तो ये वर्तमान प्रचलित विधि है, दोषपूर्ण विधि है, लेकिन खाद बनने में प्राकृतिक रूप से 6 से 8 महीने लग जाते हैं, तो ये लंबी चलने वाली विधि है। 2 नंबर अपन नोट करते हैं गड्ढा विधि। इस गड्ढे विधि के अंदर एक गड्ढा खोद देती है जो इसी का संशोधित रूप है, तो इसको कहते हैं संशोधित गड्ढा विधि। इस संशोधित गड्ढा विधि के अंदर एक 3 मीटर लंबी खाई, 3 मीटर लंबा गड्ढा, उसके बाद में इधर की तरफ 2 मीटर लंबा, और इसको गहरा कर देते हैं 1 मीटर तक। तो 6 मीटर लंबा, 3 मीटर चौड़ा, 2 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा, ऐसा करके गड्ढा बनाते हैं। इसमें गोबर डालते रहते हैं और इसमें खाद बनने में 5 से 6 माह का टाइम, डेयरी विधि में 6 से 8 माह, गड्ढा विधि में 5 से 6 माह। अगला है ट्रेंच विधि। ट्रेंच विधि भी कहते हैं, इसी को खाई विधि भी कहते हैं, इसी को खाई के साथ साथ में ट्रेंच विधि, खाई विधि, इसको एक और नाम देते हैं, कुछ और कहते हैं, खांच विधि भी कहते हैं। कल लिखा था क्या? खांच विधि कहते हैं, इसको खांच विधि भी कहते हैं, और इसके अंदर 6 मीटर लंबा, 6 का मतलब 6 × 18 लगभग 20 फीट लंबी खाई खोदते हैं, और इस खाई की लंबाई होती है 6 मीटर, उसके बाद में चौड़ाई रखी जाती है 1.5 मीटर, मतलब 5-1 फीट रखी जाती है, और इसकी गहराई दे देते हैं 1 मीटर। और ऐसी करके जब खाई बना के, खांच बना के खाद तैयार की जाती है, तो इस विधि के अंदर टाइम उससे भी कम लगता है, 5 माह में खाद बन करके तैयार हो जाती है। और अगली है एडको विधि। ये एडको विधि इंग्लैंड में प्रचलित है। ये एडको इसलिए है क्योंकि गोबर जब खाइयों में भर दिया जाता है उसके ऊपर एक पाउडर डालते हैं एडको, अलग अलग प्रकार के पाउडर आते हैं, एक पाउडर याद रखोगे बीएचसी, तुम लोगों ने खूब देखा है गांव में, शाम के टाइम जब भोजन सामग्री को अपन इकट्ठा करते हैं तो उस भोजन सामग्री के साइड में तुम लोग एक पाउडर डालते हो ताकि चींटियां उनमें नहीं गिर जाए, डालते हो ना, वो जो पाउडर होता ना उसका नाम होता है बीएचसी। क्या नाम होता है? हाँ, फाका मराठा क्या बोलते हो तुम लोग, बोलते हो ना, हाँ, जो भी होता है उस पदार्थ का नाम है बीएचसी, और बीएचसी का पूरा नाम होता है गेमेक्सिन।
इसको सिंपल रासायनिक भाषा में गेमेक्सेन कहते हैं, गेमेक्सिन कहते हैं। वैसे वैसे गोबर एक पदार्थ डाला जाता है और उस पदार्थ का नाम होता है एडको, और इस एडको पदार्थ को जब गोबर पर डालते हैं तो गोबर से खाद बननी स्टार्ट हो जाती है। तो इन विधियों को अपन आगे देख लेते हैं। सबसे पहले डेयरी विधि प्रचलित विधि है, दोषपूर्ण विधि है, 6 से 8 माह का टाइम लगता, लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं। कमियां क्या है? जब खुले में अपन गोबर को इकट्ठा करते हैं तो इससे 30 से 35% नाइट्रोजन नष्ट हो जाती है, बहुत बड़ी मात्रा नष्ट हो रही है, 30 से 35%। 20 से 25% फॉस्फोरस नष्ट हो जाता है, और फिर नीचे लिखा हुआ है कि 4 से 6% पोटेशियम नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसलिए फिर खाई में गड्ढों में डालते ताकि सूर्य का प्रकाश केवल ऊपर काम करे लेकिन पूरे पे काम नहीं कर पाए। तो ये दोषपूर्ण विधि है, लेकिन इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम ये काफी मात्रा में नष्ट हो जाती है। 2 नंबर विधि का नाम है संशोधित गड्ढा विधि। ये संशोधित गड्ढा विधि के अंदर 3 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा गड्ढा बना देते हैं। उस गड्ढे के अंदर गोबर को डालते हैं और डालने के बाद में 5 से 6 महीने का टाइम लगता है। उसके बाद में है ट्रेंच, इसको कहते हैं खाई, इसी को कहते हैं खांच, इसी को कहते हैं नाली, तो ये अलग अलग इसके नाम रहते हैं। इसमें 6 मीटर लंबा, अभी शायद अपन ने 3 को 6 कर दिया था इधर की तरफ, है ना, हाँ इधर की तरफ 3 2 ये विधियां चलती है, और ये पड़ी 3 2 1 वाली विधि। फिर इसके बाद में अपन चल रहे थे ट्रेंच विधि पे, इसमें 6 मीटर लंबा, 1.5 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा खड्डा बना देते हैं, खाई बना देते हैं, और उसमें पशुओं के अपशिष्ट को डालते हैं। इस विधि में 5 माह लगते हैं, 3 मीटर है तो उसमें 6 माह लग रहे हैं, और 6 मीटर है उसमें 5 माह लग रहे हैं। फिर उसके बाद में लिखा हुआ है कि ये जो विधि है, जो व्यस्क पशु होता है, व्यस्क पशु है ना, जो जवानी की उम्र में होता है, उसके अंदर ट्रेंच विधि बहुत जरूरी होती है, क्योंकि उसका गोबर थोड़ा सा अलग टाइप का रहता है। और दूसरा, नाइट्रोजन की प्राप्ति अन्य विधियों की तुलना में ज्यादा होती है। कौन सी विधि में? ट्रेंच विधि में। ट्रेंच विधि में नाइट्रोजन ज्यादा मिलती है। फिर उसके बाद में आगे लिखा हुआ है एडको विधि। ये जो एडको विधि है ये इंग्लैंड में विकसित की गई, और फिर क्या लिखा है, एडको पाउडर शुरुआत के अंदर मिला देते हैं। इधर क्या लिखा हुआ है, स्टार्टिंग, स्टार्टर के अंदर, शुरू के अंदर इसमें एडको पाउडर मिला देते हैं, और एडको पाउडर जब मिला देते हैं तो इसमें केवल 4 माह लगते हैं, और 4 माह के अंदर गोबर से खाद बनकर के तैयार हो जाती है, दुर्गंध नहीं आती है, भूरी खाद होती है जो केंचुओं से प्राप्त होती है, वैसी की वैसी शानदार खाद होती है। बुआई से 3 से 4 महीने पहले खेत में डाल करके इसको खेत की मृदा के साथ में मिला देते हैं, और मिलाने के बाद में बहुत शानदार फसल की प्राप्ति होती है। तो ये सारी की सारी विधियां हैं। कल आपने जहां लिखना छोड़ा था उसके बाद में 1 नंबर आपने नोट कर लिया था ना, डेयरी विधि के बारे में सारे पॉइंट नोट कर लिए थे। ओके, वापस एडिंग नोट करो आप लोग, डेयरी विधि। एक अपने इंडिया में रिवाज ठीक है, जब जागो तभी सवेरा। विवेकानंद जी ने क्या कहा था, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक तुम्हें लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाए। कईयों को तो लक्ष्य की प्राप्ति हुई हुई है, उठो भी मत जागो भी मत, हैं? क्लास जब स्टार्ट होती है तो 25% बालक यहाँ होते हैं, फिर 100% धीरे धीरे हो जाते हैं। कितने टाइम, अब 7:30 हो गए, आधा पीरियड तो निकल चुका है, और अब जाकर के धीरे धीरे संख्या बढ़ी, पूरा हॉल अब भरा है। शुरू में ओनली 25% आबर होते हैं, गर्ल्स में देखा जाए तो 25% ही होते हैं, अब जाके 100% हुए हैं। कहाँ से, अच्छा हाँ ये भी मजबूरी है, उससे पहले छोड़ नहीं सकते बच्चे को। तुम्हारे तुम्हारे भी कोई अभी सिंगल मामला है, हा? चलो तुम्हारे तो कोई मजबूरियां नहीं है ना, लेकिन वो सुबह सुबह जो बिस्तर है ना तुम्हारा 250 किलो का, क्या कितने का, 250 किलो का, 4 किलो का नहीं है वो, 4 किलो का ना 400 किलो का हो जाता है, दूर नहीं होता, बस पड़े पड़े सपने देखता ये कर दूंगा वो कर दूंगा, लेकिन दिक्कत वो है कि वो दूर नहीं होता है सुबह सुबह।
वही कहानी सुनी होगी, शाम के टाइम टली होके घर में आ गया, कपड़े भीगे हुए थे, चेंज किए, इतने में मैडम का पजामा पहन के सो गया। रात को 2 बजे थोड़ा सा उतरा, चिल्ला रहा है मेरे लकवा हो गया। लकवा कैसे? लाइट स्टार्ट की, देखा कि दोनों पैर एक ही पजामे में डाल के सो रहा है, तो लकवा ही होगा। और जब ज्यादा पीता है तो भारत का प्रधानमंत्री बनू ना, देश की तस्वीर बदलना। इतने में बेलन लेके सामने, साले पहले पजामा तो बदल ले। पड़े पड़े इधर भी सपने देखते, ये कर दूंगा वो कर दूंगा। बस वो दिक्कत वो है कि वो बिस्तर दूर नहीं होता तुम्हारा। लिखो आप आगे, अभी तो कुछ नहीं है, अभी धीरे धीरे टाइम जब सर्दियों का और ज्यादा जाएगा, नवंबर दिसंबर में, तब देखना। सुबह सुबह गुदड़ ओढ़े हुए ना, रहा सर मरो। लो नोट करो, सबसे फर्स्ट पॉइंट आप देरी विधि, फर्स्ट पॉइंट नोट करो, लिखो। वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित विधि, वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित विधि, वर्तमान में सर्वाधिक प्रचलित विधि। सेकंड पॉइंट, यह दोषपूर्ण विधि है, यह दोषपूर्ण विधि है, क्योंकि प्रदूषण नहीं फैलता है। दोषपूर्ण विधि है क्योंकि प्रदूषण नहीं फैलता है। दोषपूर्ण विधि, प्रदूषण नहीं फैलता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस विधि से खाद बनने में, इस विधि में या इस विधि से खाद बनने में 6 से 8 माह का समय लगता है। इस विधि में या इस विधि से खाद बनने में 6 से 8 माह का समय लगता है। नेक्स्ट पॉइंट, इस विधि द्वारा 30 से 35% नाइट्रोजन, इस विधि द्वारा 30 से 35% नाइट्रोजन, कॉमा 20 से 25% फॉस्फोरस। ये शब्द के पीछे लिख लेना पी, फिर जाकर के तुम लोग मतलब टेंशन में आते हो कि फॉस्फोरस है कि पोटेशियम है ना। तो 20 से 25% फॉस्फोरस तथा 4 से 6% पोटेशियम नष्ट हो जाता है। 4 से 6% पोटेशियम नष्ट हो जाता है। 4 से 6% पोटेशियम नष्ट हो जाता है। बहुत प्रचलित भी है, लेकिन नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम ये काफी मात्रा में नष्ट हो रहे हैं। यस, नेक्स्ट आप हेडिंग नोट करो, संशोधित गड्ढा विधि। गड्ढे विधि को संशोधित गड्ढा विधि कहते हैं। 2 नंबर पे आप नोट करो, संशोधित गड्ढा विधि। संशोधित गड्ढा विधि, इस विधि में पशु परिचर बैठो, इस विधि में 3 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा तथा 1 मीटर गहराई, 3 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा, 1 मीटर गहराई का गड्ढा बनाकर खाद तैयार की जाती है। जिसमें 5 से 6 माह जिसमें 5 से 6 माह का समय लगता है। 5 से 6 माह का समय लगता है जिसमें 5 से 6 माह का समय लगता है। नेक्स्ट 3 नंबर पे नोट करो, ट्रेंच।
ऑब्लिक खाई, इधर कुआ उधर खाई, दोनों तरफ से आफत आई। ट्रेंच ऑब्लिक खाई ऑब्लिक खांच ऑब्लिक नाली विधि, ट्रेंच खांच खाई नाली विधि। आगे लौट करो, इस विधि में 6 मीटर लंबा, लंबा मत लिखो, नाली है तो लंबी लिख दो, 6 मीटर लंबी कॉमा 1.5 मीटर चौड़ी, 6 मीटर लंबी 1.5 मीटर चौड़ी तथा 1 मीटर गहरी, 1 मीटर गहरी नाली बनाकर, 1 मीटर गहरी नाली बनाकर खाद तैयार की जाती है, कौमा 5 माह का समय लगता है, 5 माह का समय लगता है, 5 माह का समय लगता है, 5 माह का समय लगता है। नेक्स्ट इसी में नोट करो, अगली लाइन, व्यस्क पशुओं के लिए, व्यस्क पशुओं के लिए यह अति आवश्यक विधि, व्यस्क पशुओं के लिए यह अति आवश्यक विधि तथा इसमें अन्य विधियों से, तथा इसमें अन्य विधियों से नाइट्रोजन की अधिक प्राप्ति होती है, तथा इसमें अन्य विधियों से नाइट्रोजन की अधिक प्राप्ति होती है, तथा इसमें अन्य विधियों से नाइट्रोजन की अधिक प्राप्ति होती है, तथा इसमें अन्य विधियों से नाइट्रोजन की अधिक प्राप्ति होती है। चौथी विधि का नाम नोट करो, एडको विधि, एडको विधि, एडको विधि, एडको विधि के अंदर फर्स्ट में आप नोट करोगे, इंग्लैंड में विकसित की गई, इंग्लैंड में विकसित की गई इंग्लैंड में विकसित की गई नेक्स्ट पॉइंट, इस विधि में एडको पाउडर, इस विधि में एडको पाउडर स्टार्टर के रूप में, स्टार्टर का मतलब शुरुआत, एडको पाउडर स्टार्टर के रूप में उपयोग किया जाता है, एडको पाउडर स्टार्टर के रूप में उपयोग किया जाता है, इसमें औसतन, इसमें औसतन 4 माह का समय लगता है, इसमें औसतन 4 माह का समय लगता है, यह दुर्गंध रहित, यह दुर्गंध रहित विधि जिसमें भूरी खाद, दुर्गंध रहित विधि जिसमें भूरी खाद प्राप्त होती है, दुर्गंध रहित विधि भूरी खाद प्राप्त होती है। और लास्ट लाइन आप लिखो, अगली लाइन में लिखो, इस खाद को, इस खाद को बुआई से, इस खाद को बुआई से 3 से 4 माह पहले, बुआई से 3 से 4 माह पहले खेत में मिला देते हैं,
तीन से चार माह पहले खेत में मिला देते हैं। तीन से चार माह पहले खेत में मिला देते हैं। ओके यस। आज अभी आप लोगों ने एक नोट किया था एड को विधि में, जब अपन ने नोट किया था ना एड को पाउडर, तो घर में भोजन सामग्री के चारों तरफ एक पदार्थ और डालते हैं, उसका नाम यस नाम था BHC। इंग्लिश में इसका पूरा नाम होता है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। याद रखोगे तुम लोग, ये जनरल साइंस में काम आएगा। बेंजीन पूरा नाम है इसका, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये बेंजीन हेक्साक्लोराइड के रूप में काम आता है। जो लक्ष्मण रेखा चौक आती है उसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड होता है, कैल्शियम ऑक्साइड जिसकी गंध निकलती है, और छोटी जो चींटियां हैं उस गंध को सहन नहीं कर पाती इसलिए भाग जाती है। तो उसमें कैल्शियम ऑक्साइड होता है, किसमें? लक्ष्मण रेखा में। आपने लक्ष्मण रेखा खींच ली फिर भाई साहब कोई शत्रु पार करके नहीं आता है, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड है, बेंजीन हेक्साक्लोराइड होता है। और मैंने इसका जस्ट अभी एक व्यापारिक नाम बताया था, याद रहा किसी को? गैमेक्सीन बताया था ये है। अच्छा, कल आप लोगों ने गाय का वैज्ञानिक नाम सुना था, यस लगभग सबको याद है। और ये वैज्ञानिक नाम दिए किसने थे? कैरोलस लीनियस ने दिए थे। आज तुम लोग ऊंट का वैज्ञानिक नाम याद रखोगे, पता किसी को? अच्छा प्रयास है आपका, और सही बोला बंदे ने। वैज्ञानिक नाम होता है कैमेलियस ड्रोमेंडेरिस, ऊंट का वैज्ञानिक नाम आप नोट कर लो, ऊंट। और ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलियस, कैमेलियस, कैमेलियस। और कैमेलियस के साथ में शब्द लगेगा ड्रोमेंडेरिस, कैमेलियस ड्रोमेंडेरिस, कैमेलियस ड्रोमेंडेरिस। ये ऊंट का वैज्ञानिक नाम रहता है। गाय का था बोस इंडिकस, बकरी का याद रहा किसी को? वेरी गुड, कैप्रा हिरकस। भैंस का भी कल मैंने बोला था, वेरी गुड, बुबेलस बुवेलिस। और ऊंट का वैज्ञानिक नाम है कैमेलियस ड्रोमेंडेरिस, कैमेलियस ड्रोमेंडेरिस। ये सब नाम कैरोलस लीनियस ने दिए हैं। कल आपने गाय का याद किया था, आज आप लोग ऊंट का वैज्ञानिक नाम याद करना। ज्यादा कुछ नाम है नहीं, सिंपल छोटे नाम याद हो जाएंगे। एक अपने यहाँ पे गोडावण है, वो भी पशु पक्षियों में तुम्हारे को परेशान करेगा। और ये जब राज्य पक्षी पढ़ोगे, राज्य पक्षी है ना, राष्ट्रीय पक्षी पढ़ोगे, तो तब आपको मोर याद करना पड़ेगा। मोर का वैज्ञानिक नाम होता है पेवो क्रिस्टेटस, पेवो क्रिस्टेटस। गोडावण का वैज्ञानिक नाम, अरे मोर का तो है पेवो क्रिस्टेटस, गोडावण का वैज्ञानिक नाम क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स। अभी तुम्हारे क्या दिमाग में वो सब मिक्स हो रहा है, अभी एक एक याद करोगे चल जाएगा। ओके, ऊंट का वैज्ञानिक नाम याद रखोगे आप, और वैज्ञानिक नाम है कैमेलियस ड्रोमेंडेरिस। ये कैमेलियस ड्रोमेंडेरिस याद रखोगे। यस, अपन चलते हैं आगे। अगला पॉइंट लिखा हुआ है कि गोबर की जो खाद है ये पौधों के लिए, गमलों के लिए अच्छी कैसे होती है। ये सारे के सारे प्रश्न है ना, कथन और निष्कर्ष वाले आते हैं। प्रश्न आता निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। अब देख लो ये सारे के सारे एज इट इज ऑप्शन में मिलते हैं। मैंने जितने प्रश्न देखे हैं सब इन्हीं पे पॉइंट पूछे हुए, और उसी से मैंने वापस आपके पॉइंट बनाए। तो पहला लिखा है कि गोबर खाद से गमलों में लाभदायक क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। तो पहला, मिट्टी के अंदर अगर गोबर की खाद होगी और दूसरा गमला जिसमें केवल धूड़ भरी हुई है, जिसमें केवल रेत भरी हुई है, दूसरा गमला जिसमें रेत के साथ में गोबर भरा हुआ है, मतलब इसकी खाद भरी हुई, दोनों में क्या डिफरेंस होगा। तो लिखा है कि अगर गोबर की खाद होगी तो उसमें हवा की मात्रा बढ़ेगी, केवल मिट्टी भर रखी है, मिट्टी भी नहीं केवल रेत भर रखी है, तो उसमें हवा की मात्रा जीरो, क्योंकि वो तो एकदम टाइट हो जाती है। लेकिन जिसमें गोबर होगी भाई साहब वो है ना इतना टाइट नहीं होगा अंदर का मामला। सेकंड, जल धारण और जल को सोखने की क्षमता बढ़ जाती है। जिसमें आपने केवल रेत डाली है उसमें पानी डालोगे ऊपर पड़ा रहेगा, लेकिन जिसमें आपने प्योर खाद मिला रखी है उसमें सारा पानी खींच लेगा और ज्यादा पानी पकड़ के रखेगा। क्या लिखा है? जल धारण क्षमता ज्यादा होती है। आपने खेत में देखा होगा दो टाइप की मिट्टी, एक तरफ केवल बालू रेत और दूसरी तरफ मिट्टियाई एकदम बारीक कण, जिसमें बारीक कण होता है वो जमीन 15 दिन तक सूखती नहीं है, लेकिन जो रेत का धोरा है उसमें जमीन एक दिन बाद में सूख जाती है ऊपर की जमीन। कारण, जो पतली बारीक दोमट चिकनी मिट्टी है उसमें जल धारण क्षमता
ज्यादा होती है। तो सेम घटना यहाँ पे है, गोबर की खाद वाली जो गमले की मिट्टी होगी उसमें जल धारण क्षमता ज्यादा होगी और उसके साथ में जल को अवशोषित, जल को सोखने की क्षमता भी ज्यादा होगी। उसके बाद में लिखा है कि जड़ों का विकास अच्छा होगा, लेकिन जिसमें आपने केवल रेत भर रखी है उसमें जड़ आगे पनप ही नहीं पाती है। तो जिसमें गोबर की खाद होगी उसमें जड़ों का विकास भी अच्छा होता है, अपरदन कम होता है। अपरदन कम का क्या मतलब, सारी की सारी जमीन आपस में बंधी हुई रहेगी, ऊपर से पानी भी डाल दो ना तो जमीन बड़े कणों के कारण ज्यादा कटती नहीं है और कटने की घटना को अपरदन कहते हैं। लेकिन जो प्योर बालू है वो जल्दी कटनी स्टार्ट होती है, एक बार पानी चलना स्टार्ट हुआ खाई बन जाती है जल्दी जल्दी। यस, लास्ट पॉइंट लिखा हुआ है, इससे मृदा के घटकों में संरचनात्मक स्ट्रक्चरल सुधार होता है, और जिसमें केवल रेत पड़ी है उसमें कोई सुधार की गुंजाइश नहीं होती है। तो इधर संरचनात्मक सुधार होता है, अपरदन कम होता है, जड़ों का विकास होता है, जल धारण की क्षमता बढ़ती है, जल अवशोषण की क्षमताएं बढ़ती है और वायु का संचार मिट्टी में अच्छा होता है। ओके, यस, आप लोग हेडिंग नोट करो, गोबर खाद से गमलों पर लाभदायक प्रभाव, गोबर खाद से गमलों पर लाभदायक प्रभाव, गोबर खाद से गमलों पर लाभदायक प्रभाव, फर्स्ट पॉइंट नोट करो। एक नंबर पे लिखो, मृदा में संरचनात्मक सुधार होता है, मृदा में संरचनात्मक सुधार होता है, सेकंड पॉइंट खाद युक्त मृदा का, खाद युक्त मृदा का अपरदन कम होता है, खाद युक्त मृदा का अपरदन कम होता है, खाद युक्त मृदा का अपरदन कम होता है। तीसरा पॉइंट, इसमें पौधों की जड़ों का अच्छा विकास होता है, इसमें पौधों की जड़ों का अच्छा विकास होता है। नेक्स्ट, जल धारण जड़ों का अच्छा विकास होता है। नेक्स्ट, जल धारण व जल अवशोषण, जल धारण का मतलब जल को पकड़ के रखना और जल अवशोषण का मतलब पानी को खींचना, जल अवशोषण की क्षमता बढ़ती है, जल धारण व जल अवशोषण की क्षमता बढ़ती है। और लास्ट पॉइंट आप नोट करोगे, मिट्टी में वायु संचार बढ़ता है, मिट्टी में वायु संचार बढ़ता है, मिट्टी में वायु संचार बढ़ता है। सारे किसान परिवार से हो खेत में, तुम लोग जब सिंचाई करते हो, खेतीबाड़ी स्टार्ट करते हो, तो खेतीबाड़ी करने से पहले अगर आपने हल चला रखा है, अगले साल भी हल चला रखा है, फिर अगले साल भी हल चला रखा है, 3 साल तक लगातार हल चलाते हो, तो चौथी बार तुम लोग खेत में तवी दिलाते हो। क्यों? सारी की सारी मिट्टी टाइट हो जाती है, उस टाइट मिट्टी को थोड़ी सी गीली करने के लिए, पोली करने के लिए तुम लोग तवी दिलाते हो। तवी दिलाते ही उस मिट्टी के अंदर वायु का संचार बढ़ जाता है, और जिस दिन तुमने, जिस टाइम तुमने, जिस समय तुमने तवी दिलाई है, उस साल फसल की उत्पादकता बढ़ जाती है। वो तो क्या, अगले साल भी फसल की उत्पादकता बढ़ती। अगर खेत किसी को अपन देते हैं ना तो कहते भाई साहब लास्ट ईयर तवी दे रही है, तो 1/3 नहीं होगा, आधा आधा करेंगे इस बार, अगली बार 1/4 कर लेना, मेरे को 25% देना, 75% तू ले जाना। लेकिन लास्ट ईयर मैंने खेत पूरे में तवी दिला रखी, लेकिन 1/2 होगा। ये क्यों? तवी दिलाने से जमीन के अंदर हवा घुस जाती है, नाइट्रोजन घुस जाती है, और नाइट्रोजन के कारण फसल की उत्पादकता दुगुनी होनी स्टार्ट होती है। तो ये सारे के सारे इस खाद से भी प्रभाव पड़ते हैं। यस,
ये सारे के सारे पॉइंट आपको है ना सत्य असत्य कथन में पूछे जाते हैं। प्रश्न है कि मिट्टी के अंदर गोबर की खाद डालोगे तो मिट्टी के रासायनिक गुणों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, मिट्टी में कंपोजिशन कैसे चेंज होंगे। तो पहला पॉइंट लिखा है कि मृदा में पोषक तत्व बढ़ेंगे। एक सिंपल रेत है और उसमें आपने खाद डाल दी तो खाद डालने से उसके अंदर नाइट्रोजन बढ़ेगा, फॉस्फोरस बढ़ेगा, पोटेशियम बढ़ेगा, आयरन बढ़ेगा, मैंगनीज बढ़ेगा, पोटेशियम बढ़ेगा, पोटेशियम के साथ में सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, बोरॉन, बोरेक्स, ये सारे के सारे तत्व बढ़ेंगे। मतलब क्या बढ़ेंगे, पोषक तत्व बढ़ेंगे। जिस मृदा में गोबर की खाद डाल दी उसके अंदर पोषक तत्व बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। सेकेंड पॉइंट, कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है। कार्बनिक पदार्थों का मतलब कार्बन की मात्रा बढ़ेगी। कार्बन बढ़ेगा तो हाइड्रोजन बढ़ेगा, नाइट्रोजन बढ़ेगा, ऑक्सीजन बढ़ेगा। इन पदार्थों की मात्रा खाद युक्त मृदा के अंदर बढ़नी स्टार्ट हो जाती है तो ये रासायनिक प्रभाव पड़ते हैं। तीसरा, जिस खेत में यूरिया यूरिया डाल रहे हो, डीएपी डाल रहे हो, खाद नहीं डाल रहे हो, उसमें देखना तुम लोग फंवारे बंद करते हो तो मिट्टी के ऊपर है ना खार जम जाती है। देखा तुम लोगों ने ऊपर खार जमता, कारण वो जो यूरिया डीएपी है वो जमीन से बाहर आकर के जमना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जिस टाइम आपने गोबर की खाद डाल दी है वो क्षार विनिमय कर देगी, क्षार को खींच लेके जमीन में मिला देगी। नाइट्रोजन, यूरिया, डीएपी, ये सारा का सारा ये गोबर खींच के जमीन में मिला देगा। क्या लिखा हुआ है, क्षार विनिमय की क्षमताएं बढ़ जाती है। अगला, मिट्टी के अंदर सूक्ष्म पोषक तत्व कम से कम मात्रा में होने जरूरी है, जिसके अंदर पोटेशियम, मैग्नीशियम और मैंगनीज, इनकी मात्रा भी बढ़ जाती है। और लास्ट में लिखा हुआ है CO2 की प्राप्ति होती है। और तुम लोगों को पता है अपन छोड़ते हैं CO2 और पौधे लेते हैं CO2। जिस मिट्टी में गोबर की खाद होगी उस मिट्टी में CO2 ज्यादा होगी और पेड़ पौधों को चाहिए क्या, CO2। और जिस मिट्टी में CO2 ज्यादा होगी उसमें पौधा एकदम फ्रेश रहेगा, अच्छा पनपेगा। ये सारे के सारे रासायनिक गुण होते हैं। और जिस मृदा के अंदर गोबर की खाद होगी पोषक तत्व तो बढ़ेंगे, क्षार विनिमय बढ़ेगा, सूक्ष्म मात्रिक तत्व तो बढ़ेंगे और CO2 की मात्रा बढ़ेगी, तो इससे पौधों को बहुत ज्यादा बेनिफिट होना है। हेडिंग आप नोट करो, मिट्टी के या मिट्टी में गोबर खाद, मिट्टी में गोबर खाद से रासायनिक गुणों पर प्रभाव, मिट्टी में गोबर खाद से रासायनिक गुणों पर प्रभाव। मिट्टी में गोबर की खाद डालोगे तो रासायनिक गुण किस प्रकार से बदलेंगे। फर्स्ट पॉइंट आप नोट करो, पोषक तत्वों, पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है, पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ती है नेक्स्ट, कार्बनिक पदार्थ की सांद्रता बढ़ती है, कार्बनिक पदार्थ की सांद्रता कंसंट्रेशन बढ़ती है। पेड़ पौधों को अच्छे जितने भी तत्व और यौगिक चाहिए वो सारे उस मिट्टी के अंदर मिल जाएंगे। तीसरा पॉइंट, क्षार विनिमय क्षमता बढ़ती है, क्षार विनिमय क्षमता बढ़ती है, क्षार विनिमय क्षमता बढ़ती है, क्षार विनिमय क्षमता बढ़ती है। नेक्स्ट पॉइंट, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज सूक्ष्म तत्वों की मात्रा बढ़ती है, सूक्ष्म तत्वों की मात्रा बढ़ती है। पोटेशियम, मैग्नीशियम और मैंगनीज सूक्ष्म तत्वों की मात्रा बढ़ती है। याद रखोगे सूक्ष्म तत्वों में इन तीनों को शामिल करते हैं, मैंगनीज, मैग्नीशियम और पोटेशियम। ये पोटेशियम पेड़ पौधों के अंदर तुम लोगों को पता है रंध्र होते हैं ना, रंध्र जानते हो, जहां से पानी बाहर निकलता है, CO2 अंदर घुसती है पेड़ पौधे की पत्ती पर, एक छोटी सी आंख जैसी संरचना होती है उसको कहते हैं रंध्र। उसको खोलने बंद करने का काम
पोटेशियम करता। मैंने क्या बोला है, परीक्षा में प्रश्न आएगा पौधे में रंध्रों को खोलने बंद करने के लिए कौन सा तत्व बहुत जरूरी है? पोटेशियम। पेड़ पौधों के पत्तियों का रंग हरा होता है, हरे का कारण कैरोटीन नहीं है, हरे का कारण पर्ण हरित होता है, और पर्ण हरित अगर होगा तो वो पेड़ पौधा सूर्य के प्रकाश को खींचेगा। जिसमें मैग्नीशियम नहीं है तो पर्ण हरित नहीं होगा। प्रश्न आता है मैग्नीशियम से पेड़ पौधे में किसका निर्माण होता है? पर्ण हरित का निर्माण होता है। और पेड़ पौधों के अंदर जितनी प्रोटीन की संरचनाएं होती है उसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। इस लाइन के नीचे नोट करो, के का मतलब क्या होता है? के का मतलब क्या है? हाँ, पोटेशियम। पोटेशियम, पोटेशियम के बराबर डॉट करके लिखोगे रंध्रों, रंध्रों की गति, रंध्रों की गति का नियंत्रण, रंध्रों को खोलना बंद करना ये सब पोटेशियम करता है। रंध्रों की गति का नियंत्रण। एमजी मतलब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम। कोई मेरे को बताएगा मैग्नीशियम कितने नंबर का परमाणु है? मैग्नीशियम, हाइड्रोजन, हीलियम ऐसे करते हैं ना, हाइड्रोजन एक नंबर पे आता है, मैग्नीशियम कितने पे आता है? जय हो तुम्हारी, सब एक जैसे हो। दो नंबर पे, नौ पे, नौ पे फ्लोरीन आता है। यस, बारह पे, सही बता रहे हो, बारह पे मैग्नीशियम आता है। पोटेशियम बताएगा कोई? सोलह पे एस आता है, सल्फर आता है। पी फोर पंद्रह फॉस्फोरस आता है, ये 19 नंबर पे आता है। ओके, यस, मैग्नीशियम के आगे नोट करो पर्ण हरित का, पर्ण हरित का निर्माण करता है, पर्ण हरित का निर्माण करता है। पेड़ पौधों में पर्ण हरित मैग्नीशियम से बनता है, और रंध्रों की गति पोटेशियम से नियंत्रित होती है। यस, लास्ट पॉइंट आप नोट कर लो, इसके अंदर CO2 की पादपों को प्राप्ति, CO2 की पादपों को अधिक प्राप्ति होती है। लास्ट पॉइंट, CO2 की पादपों को अधिक प्राप्ति होती है, CO2 की पादपों को अधिक प्राप्ति होती है। ये थे मिट्टी के अंदर गोबर की खाद मिलाने से होने वाले रासायनिक प्रभाव। एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने इसका महत्व समझ लिया है। सबसे पहले पोषक तत्व, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, लोहा, मैंगनीज, सोडियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, बोरॉन, ये सारे बनते हैं। कार्बनिक पदार्थ, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, मात्रा बढ़ती है। क्षार विनिमय, DAP समझ लिया, DAP का नाम याद रख लेना, डाई अमोनियम फॉस्फेट, DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट। एक होता है यूरिया, यूरिया में याद रख लेना, यूरिया के अंदर, यूरिया जो पदार्थ है, इस यूरिया में नाइट्रोजन 46% पाई जाती है। ये सीधा प्रश्न आता है, फिर आप ऑप्शन करते हो, अक्कड़, बक्कड़, बम्बे, बो, जहां पे मिला टिक करके आ जाते हो। ये ऐसे नहीं चलेगा, तुक्काबाजी, याद रखोगे यूरिया में नाइट्रोजन 46%, लिख लो पास में, तुम्हें याद रहेगी। यूरिया में 46%, यूरिया में 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। यूरिया में नाइट्रोजन 46% होती है, यूरिया में नाइट्रोजन 46% पाई जाती है। यस, अगला टॉपिक, प्रश्न आ रखा है कि मिट्टी के अंदर गोबर की खाद डालोगे तो जीवाणुओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तुम लोगों ने कभी नाइट्रोजन स्थिरीकरण सुना है? तुम लोगों ने ऐसा सुना है कि जो ग्वार की फसल खेत में लगाते हैं तो उसे अगले साल खेत की उत्पादकता बढ़ जाती है? अपने गांवों के अंदर क्या करते हैं बूढ़े डोकरे, लगातार बाजरी बाजरी जीरा बाजरी जीरा 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 जीरा, पहले साल 150 बोरी, 100 बोरी, 70 बोरी, फिर 60 बोरी, 40 बोरी, 10वें साल उगता ही कुछ नहीं है खेत में, होता है ऐसा कि नहीं होता है? पहले साल 150, दूसरे 150, 150, 150 ऐसे चलता है क्या? नहीं, धीरे धीरे प्रोडक्टिविटी कम होती है। जिस समय खेत की उत्पादकता डाउन होनी स्टार्ट होती है, गांव वाले क्या करते, ठोकते तवाई,
और तवी देने के बाद में अंदर अरे वो डालते हैं ग्वार डालते हैं, और ग्वार मिलाने से तुम लोगों को नहीं पता, पता मेरे को नहीं पता, लेकिन ग्वार की जो जड़ें होती है उन जड़ों के अंदर छोटी छोटी गांठें बनती हैं, उन गांठों में एक जीवाणु पाया जाता है, वेरी गुड नाम है उसका, अच्छा अभी भी किसी को नहीं पता, उसका नाम है राइजोबियम। क्या बोला मैंने? राइजोबियम। किस में पाया जाता है? ग्वार। ग्वार जरूर नहीं है, ऐसे पौधे जिसमें फलियां लगती हैं, मूंग मोठ फलियां लगती है, ग्वार के अंदर फलियां लगती है, फलीदार पौधों की जो जड़ें होती हैं उन जड़ों के अंदर छोटी छोटी गांठें होती हैं, आज भी घर जाके देख लेना, उन गांठों के अंदर छोटे छोटे जीवाणु पाए जाते हैं जिसका नाम राइजोबियम। जिस मिट्टी के अंदर गोबर की खाद होगी उस गोबर की खाद में ये राइजोबियम होता है, और वो जाकर के मिलता है मिट्टी में, और मिट्टी में मिलने के बाद वातावरण की नाइट्रोजन को स्थिर करता है, और पेड़ पौधे को नाइट्रोजन या तो यूरिया डालो या फिर प्रकृति से मिलाओ। यूरिया डालने की जरूरत नहीं, यूरिया डालोगे खेत खराब होगा, लेकिन जिस टाइम आपने गोबर की खाद डाल दी उसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण हो जाता है। क्यों? ये जटिल नाइट्रोजन को, कौन से जीवाणु जटिल नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलते हैं, और जिससे पेड़ पौधे आसानी से ग्रहण करते हैं। जिस मिट्टी के अंदर गोबर की खाद ज्यादा होगी उसमें नाइट्रोजन का स्थिरीकरण ज्यादा होगा। भाई साहब यूरिया में 46% होती है, इधर 100% नाइट्रोजन मिलती है। जितना खेत के अंदर ग्वार ज्यादा होगा अगली साल देखना खेत की फसल अपने आप उत्पादकता देती है। वो जो अंदर नाइट्रोजन मिला के गया है वो कौन? राइजोबियम। राइजोबियम कहां होता है? फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है। और फलीदार पौधे की जड़ों का भी सिस्टम देख लो, पौधा उस जीवाणु को खाना देता है, वो जीवाणु पौधे को नाइट्रोजन देता है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर। रूम किराए पे दोनों ने लिया, एक रोटी बनाएगा दूसरा सब्जी बनाएगा, दूसरा जिस दिन रोटी बनाएगा पहले वाला सब्जी बनाएगा, ऐसा नहीं होगा रोटी वाला रोटी बनाएगा सब्जी वाला सब्जी बनाएगा। जिस दिन रोटी वाला घर चला गया सब्जी वाला बना के बैठ जाएगा, भूखा सो जाएगा। पेड़ पौधे में जीवाणु केवल नाइट्रोजन देगा, पौधा केवल उस जीवाणु को खाने के लिए पोषण देगा प्लस रेंट पे कमरा देगा। ये प्रक्रिया जब चलती इसको कहते हैं सहजीवी जीवन। क्या बोला मैंने? सहजीवी जीवन। किस में होता है? राइजोबियम में होता है। राइजोबियम किस में पाया जाता है? राइजोबियम पाया जाता है फलीदार पौधों की जड़ों में। यह सारा का सारा नाटक गोबर की खाद से पैदा होता है। यस, देख लो एक एक। अरे लिखना नहीं अभी, रुको जरा ना। क्या लिखा है? मिट्टी के अंदर गोबर की खाद डालोगे तो अंदर जो जीवाणु बैठे उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहला, मिट्टी में गोबर की खाद होगी तो इन जीवाणुओं की संख्या बढ़ेगी। जिसमें केवल रेत भर रखी है उसमें जीवाणु होंगे? जीरो, होने पॉसिबल नहीं है। सेकंड पॉइंट, जीवाणुओं की क्रियाशीलता भी बढ़ती है जिसमें एकदम टाइट जमी है, और दूसरी तरफ गोबर की खाद है उसमें जीवाणु आराम से चल फिर सकते हैं, तो क्रियाशीलता बढ़ेगी, एक्टिविटी बढ़ेगी। अगला, नाइट्रोजन स्थिरीकरण की दर को बढ़ाते हैं। अब ये क्या होता है इस मामले को तुम लोग सुन लो। जैसे ये जमीन का लेवल ऊपर उगा हुआ है पौधा, और इस पौधे के अंदर लगी हुई है मान लो फलियां लगी हुई है ना, मैंने सिंपल पौधा बनाया है और इस पौधे के अंदर लगी हुई है फली, ये अंदर फली लगी हुई है और अंदर की तरफ बीज है, ऐसी होती है फलियां, और सिंपल इसके नीचे की तरफ जड़े हैं। इन जड़ों के अंदर छोटी छोटी नोड्यूल्स पाए जाते हैं। नोड्यूल्स बोले तो गांठे, अंदर छोटी छोटी होती है गांठे, ये छोटे छोटे नोड्यूल्स पाए जाते हैं, छोटी छोटी गांठें पाई जाती है, और ये जो गांठ है इन गांठों के अंदर छोटे 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 अंदर पाए जाते हैं जीवाणु, और इस जीवाणु का नाम राइजोबियम। हाँ अब तुम्हें याद हो रहा है। तो ये छोटी छोटी है गांठें, और ये गांठ जिसको नोड्यूल कहा जाता है इसको कहते हैं नोड्यूल। इस नोड्यूल के अंदर एक जीवाणु पाया जाता है, गांठ में एक जीवाणु पाया जाता है, जीवाणु को बोला जाए तो इसको कहते हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया अंदर एक जीवाणु पाया जाता है बैक्टीरिया। ये जो जीवाणु है इस जीवाणु का नाम होता है राइजोबियम। राइजोबियम होता है, क्या करता है ये राइजोबियम? वातावरण की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। ये शब्द लिखा हुआ है नाइट्रेट, ये है नाइट्रोजन और ये लिखा हुआ है नाइट्रेट, और नाइट्रेट किसको मिलती है? पौधों को।
पेड़ पौधा सीधा नाइट्रोजन को ले नहीं सकता, कारण नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में तीन बंद होते हैं। इसको तोड़ने के लिए 944 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। भाई साहब बहुत गर्म करना पड़ता तब जाके टूटता है, सीधा नहीं टूट सकता। लेकिन इसको तोड़ने का काम कौन करता है? जीवाणु। पेड़ पौधे को सीधा नाइट्रेट मिल जाता है बिना गर्म किए, तो पेड़ पौधे के लिए बहुत अच्छा जीवन चलता है। और इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं सहजीविता। सहजीविता कहते हैं, सहजीविता किसके बीच में? पौधे के बीच में, और पौधे के साथ में जीवाणु के बीच में। पौधा और जीवाणु, ये पौधा जीवाणु पर निर्भर और जीवाणु पौधे पर निर्भर, इस प्रकार के जीवन को सहजीविता कहते हैं। रूम लेके दो किराए पे रहते हैं ना, वो सहजीविता होती है। रोटी वाला रोटी में स्पेशलिस्ट है, सब्जी वाला सब्जी में स्पेशलिस्ट है। डिपेंड ऑन ईच अदर, इनका काम पर्टिकुलर है। पौधा वाला पौधा ही करेगा, जीवाणु वाला काम जीवाणु ही करेगा। इसलिए इस प्रक्रिया को सिम्बायोसिस भी कहते हैं। सिम्बायोसिस कहते हैं। ये सारी प्रक्रिया गोबर मिट्टी में डालोगे तो स्टार्ट होगा, नहीं तो अंदर जीवाणु आएगा ही नहीं। जीवाणु नहीं आएगा तो नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलेगा ही नहीं। हेडिंग नोट करो आप लोग, हेडिंग के अंदर नोट करो, मिट्टी में गोबर खाद से, मिट्टी में गोबर खाद से जैविक गुणों पर प्रभाव। मिट्टी में गोबर खाद से जैविक गुणों पर प्रभाव। फर्स्ट पॉइंट आप नोट करो, मिट्टी में लाभदायक जीवाणुओं, मिट्टी में लाभदायक जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है, मिट्टी में लाभदायक जीवाणुओं की संख्या बढ़ती है। सेकंड, जीवाणुओं की क्रियाशीलता, जीवाणुओं की क्रियाशीलता तथा जीवाणुओं की क्रियाशीलता तथा N2 स्थिरीकरण, N2 नाइट्रोजन, N2 स्थिरीकरण की दर बढ़ती है, N2 स्थिरीकरण की दर बढ़ती है, N2 स्थिरीकरण की दर बढ़ती है। तीसरा पॉइंट, जटिल N2, जटिल N2 NO3 माइनस, जटिल N2 तीर लगा के लिखोगे, NO3 माइनस नाइट्रेट में बदलते हैं। जटिल N2 NO3 माइनस नाइट्रेट में बदलते हैं, N2 नाइट्रेट NO3 माइनस में बदलते हैं। बारिश का मौसम होता है, ज़्यादा बाजली क्या ना, ज़्यादा बिजली जब कड़कती है ना तो खूंबियाँ पैदा होती हैं, जानते हो, जितना ज़्यादा गरजेगा उतनी ज़्यादा खूंबियाँ पैदा होगी। अपना एक रिवाज और है कि साहब खूंबियाँ वहीं पैदा होती है जहाँ, अच्छा समझ गए तुम लोग, ऐसी तुम्हारे मन में धारणाएँ चलती है। हाँ कौन सा? हाँ बस समझ तुम गए हो, कहूँगा मैं नहीं ना, गधे का मूत्र, ऐसा तुमने धारणा सुनी कि नहीं सुनी है? गधे का मूत्र जहाँ पे होता है वहीं पे खूंबियाँ पैदा होती हैं, ऐसा कुछ लोगों की धारणा, लेकिन ये कुछ भी नहीं है, लेकिन ये सही भी है। कारण गधे के मूत्र में नाइट्रोजन ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है, 46 का आंकड़ा पार करके 66 पे पहुँच जाता है। और जहाँ पे गधे का मूत्र ज़्यादा होगा वहाँ नाइट्रोजन ज़्यादा होगी। खूंबी मशरूम उसके बीज जमीन में हर जगह होते हैं, लेकिन जिस जगह नाइट्रोजन ज़्यादा है वहीं पे वो पनपता है। अरे वातावरण में जब बिजली कड़कती है तो बिजली कड़ने पर वातावरण के अंदर इतनी ताप पैदा होता है कि ऊपर पड़ी पड़ी नाइट्रोजन नाइट्रेट में अपने आप बदल जाती है, और वो नाइट्रेट धीरे धीरे जहां जमीन पर नीचे बैठती है वहां खूंबियां ज्यादा पैदा होती है। खूंबियां पैदा होने के पीछे बिजली के कड़कने का कारण नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ना है। या तो नाइट्रोजन इससे बढ़ जाए, या फिर मिट्टी की जो मात्रा है उसमें तुम लोग गोबर की खाद डाल दो तो उसे फलीदार पौधे प्राप्त होते हैं। कौन से पौधे? फलीदार पौधे। और ये जो फलीदार पौधे होते हैं
फलीदार पौधे, इन फलीदार पौधों को लेग्यूमिनेसी पौधे कहते हैं, लेग्यूमिनेसी पादप कहते हैं। ये लेग्यूमिनेसी जो पादप होते हैं, इन लेग्यूमिनेसी पादपों की जड़ों में राइजोबियम जीवाणु सिम्बायोसिस के रूप में रहता है, जो वातावरण की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करता है। ये कंप्लीट जो तुम्हारे सामने पड़ा है इसको नोट कर लो, और आज की क्लास को यहीं फिनिश करते हैं। नोट कर लो तुम लोग पहले, अच्छा काफ़ी जने हैं, चलो वेलकम सभी का। ओके, लगातार अपनी क्लासेस चली रही है दो तीन दिन से, और आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे गोबर गैस के बारे में, जो पशुओं से संबंधित आपका टॉपिक रहेगा। इससे भी पहले अपन ने कल की जो क्लास थी उसके अंदर गोबर से गोबर की खाद कैसे बनाई जाती है, तो इन विधियों के ऊपर अपन ने चर्चाएं की थी। पहली विधि का नाम था ढेरी विधि, जिसके अंदर नॉर्मल जो गाय पशु जहाँ बांधे जाते हैं वहाँ के गोबर को उठा के कहीं पे अपन एक ढेर लगा देते हैं। इस प्रक्रिया में टाइम ज़्यादा लगता है, लिखा हुआ है यहाँ पे 6 से 8 महीने लगते हैं, लेकिन दोषपूर्ण विधि है, कोई प्रदूषण नहीं होता है, और सबसे ज़्यादा वर्तमान में प्रचलित यही विधि मानी जाती है। इसके अंदर ये तीनों इसके ड्रॉबैक रहते हैं, कमियाँ रहती है। पहला, 30 से 35% नाइट्रोजन नष्ट हो जाती है। सेकंड, 20 से 25% फॉस्फोरस नष्ट हो जाता है, और लास्ट के अंदर लिखा हुआ है कि 4 से 6% पोटेशियम नष्ट हो जाता है। तो ये ढेरी विधि रहती है। फिर इसको संशोधित किया गया, ये विधि ज़्यादा प्रचलित नहीं हुई, तो उसके बाद में नेक्स्ट गड्ढा विधि लाए गए, जिसके अंदर 3 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा और 1 मीटर गहरा। 3 मीटर लंबा, 3 मीटर का मतलब लगभग 10 फीट तक, 1 मीटर में लगभग 3 फीट होते हैं, 3.25 होते हैं, तो 10 फीट लंबा, और 2 मीटर, 2 मीटर का मतलब 6.1 फीट है ना, तो यहाँ पे 6 फीट चौड़ा कर देते हैं, 1 मीटर यानी कि 3.25 मीटर तक गहरा एक गड्ढा खोदते हैं। और इस विधि के अंदर गोबर को अंदर डालते हैं गड्ढा खोद करके, और इसमें 5 से 6 महीने का टाइम लगता है। नॉर्मली करते ही अपन गाँव के अंदर पशु जहाँ बांधते हैं साइड में, भाई साहब गड्ढा खोद देते हैं, तो इसको संशोधित गड्ढा विधि कहते हैं। तीसरी विधि जिसको कहते हैं ट्रेंच या खाई या फिर नाली विधि कहते हैं। इसके अंदर खांच विधि के अंदर जो लंबी नाली बनाई जाती है उसकी लंबाई लगभग 6 मीटर, 6 मीटर का मतलब 20 फीट से ज़्यादा रखते हैं, और इसकी चौड़ाई 1.5 मीटर तक रखते हैं, लगभग 4-4.5 फीट तक रखते हैं, और 1 मीटर इसकी गहराई कर देते हैं। इसमें खाद बनने में 5 से 6 महीने, और इसके अंदर खाद बनने में लगभग 5 महीने का समय लगता है। और लिखा हुआ है कि अगर कोई पशु वयस्क अवस्था में है तो वयस्क पशुओं की खाद को बनाने के लिए इस विधि को सबसे जरूरी माना जाता है, और इस विधि से नाइट्रोजन की प्राप्ति सबसे ज्यादा होती है क्योंकि वयस्क पशु इसमें रहते हैं। नेक्स्ट अपन ने नोट किया था एडको विधि, और आपको अच्छे से याद है ये विधि ओनली 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 इंग्लैंड में अपनाई जाती है। एडको विधि इसलिए कहते हैं क्योंकि जब गोबर को इकट्ठा करते हैं तो उसके ऊपर एक पाउडर डाला जाता है, और इस पाउडर को एडको पाउडर कहते हैं। ये स्टार्टर के रूप में काम लेते हैं, यानी कि प्रक्रिया से गोबर को खाद में बनने के लिए शुरू करने का काम करता है, तो ये स्टार्टर के रूप में होता है। इस विधि के अंदर 4 महीने का समय लगता है, दुर्गंध रहित है, और भूरी खाद प्राप्त होती है, जिस प्रकार केंचुए की खाद प्राप्त होती है। और बुवाई से 3 से 4 महीने पहले खेत के अंदर इस एडको खाद को, गोबर खाद को जाकर के मिला देते हैं, तो ये विधि रहती है एडको विधि। फिर अपन ने नोट किया था कि गोबर खाद से गमलों में जो गोबर खाद डाली जाती है उसे क्या क्या लाभ, तो मिट्टी के अंदर वायु का संचार बढ़ता है, एक प्योर रेत है और दूसरी तरफ खाद मिली हुई है, तो उसमें नो डाउट वायु ज़्यादा रहेगी। और कल भी अपन ने चर्चा की थी कि खेत के अंदर सिंचाई करने से पहले तवी दिलाते हैं, उसका कारण पर्याप्त मात्रा में वातावरण की वायु उस जमीन के अंदर मिल जाए। सेकेंड पॉइंट, जल धारण क्षमता और जल सौंखने की, अवशोषण करने की क्षमताएं बढ़ती है, नो डाउट अच्छी बात है। थर्ड पॉइंट, जड़ों का विकास अच्छा होगा जहां पे गोबर की खाद होगी। चौथा पॉइंट, जमीन का कटाव नहीं होगा, इरोशन नहीं होगा, अपरदन नहीं होगा। और लास्ट में लिखा है कि मृदा के अंदर जो ह्यूमस होते हैं, ह्यूमस का मतलब ऊपर की जो परत होती है उसमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा बढ़ेगी, उसकी संरचना में भी सुधार होगा। तो ये पॉइंट थे गमलों के अंदर। फिर पॉइंट किया था कि अगर गोबर की खाद को
मिट्टी में डालोगे तो उसके रासायनिक गुणों में क्या प्रभाव पड़ेगा। रासायनिक गुणों में पहला था पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ेगी, और मुख्य पोषक तत्व आप जानते हो कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और तीसरा पोटेशियम। इन तीनों को मुख्य पोषक तत्व माना जाता है, इनकी मात्रा बढ़ेगी। मैग्नीशियम की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा, सल्फर की मात्रा, आयरन की मात्रा, मैंगनीज की मात्रा, इन सभी की मात्रा यानी कि पोषक तत्वों की मात्रा मिट्टी के अंदर बढ़ जाएगी अगर गोबर की खाद होगी तो। सेकंड पॉइंट, गोबर की खाद अगर मिट्टी में डालोगे तो मिट्टी में खूब सारे पेड़ पौधों के लिए आवश्यक कार्बनिक पदार्थों की मात्रा ही बढ़ जाएगी। उसके साथ में लिखा है कि क्षार विनिमय, कल भी आपने चर्चा की थी, खेत में अगर यूरिया डालोगे, यूरिया, यूरिया का फॉर्मूला थोड़ा सा याद रखोगे, फॉर्मूला होता है NH2CO NH2, और इसी के साथ कल आपने ये भी नोट किया था कि यूरिया के एक ग्राम में 46% तक नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। पता ना तुम्हारे को, ये प्रश्न भी याद रख लेना। यूरिया, यूरिया के अंदर नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा 46% तक होती है। दूसरा, खेतों के अंदर डालते हैं अपन लोग DAP, पूरा नाम क्या था कल बताया था, भूल जाते हो, इसका पूरा नाम था डाई अमोनियम, डाई अमोनियम फॉस्फेट, पूरा नाम है डाई अमोनियम फॉस्फेट। और ये जो डाई अमोनियम फॉस्फेट है, यूरिया है, खेत में डालोगे और ऊपर आपने फंवारे चालू कर दिए, तो जैसे ही फंवारे बंद करोगे तो खेत की जो मृदा है उसके ऊपर सफेद पपड़ी जम जाती है। लेकिन खेत के अंदर अगर गोबर की खाद डाली हुई है तो वो उस पूरे क्षार को, खार को अवशोषित कर लेता है, तो क्षार विनिमय की क्षमता बढ़ती है। मृदा के अंदर सूक्ष्म तत्व पोटेशियम, मैग्नीशियम, मैंगनीज, इन तीनों सूक्ष्म तत्वों की मात्रा गोबर खाद के कारण बढ़ जाती है। और लास्ट में लिखा हुआ है पेड़ पौधे को CO2 की प्राप्ति होती है, और CO2 आप लोग अच्छे से जानते हो, पेड़ पौधे की पत्तियों के अंदर छोटे छोटे रंध्र होते हैं जहां से CO2 पौधे को लेना बहुत जरूरी होता है, और इसी के माध्यम से पेड़ पौधों में प्रकाश का संश्लेषण होता है, पेड़ पौधों में भोजन का निर्माण होता है। ये चीजें कल की क्लास में अपन ने देख ली थी। यस, लास्ट पॉइंट यहीं पर अपन चल रहे थे, और यहाँ पे तुम लोगों ने नोट किया था कि फलीदार जो पौधे होते हैं उनकी जड़ों में छोटे छोटे नोड्यूल्स पाए जाते हैं, छोटी छोटी गांठें पाई जाती है, और उस गांठ के अंदर एक जीवाणु रहता है। हाँ, आज तुम्हारा राइबोजियम हो रहा है, हैं? उस जीवाणु का नाम था राइजोबियम, हैं? राइबोजियम क्या नाम था, राइजोबियम था, और वो राइजोबियम वातावरण की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदलता है। पेड़ पौधे सीधे नाइट्रोजन को ले नहीं सकते, कल आपने ऐसा नोट भी किया था कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में तीन बंद होते हैं, और इस बंद को तोड़ने के लिए 944 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और पेड़ पौधों के पास इतनी ऊष्मा नहीं है, इतनी हीट नहीं है कि नाइट्रोजन को सीधा तोड़ के अवशोषित कर सके। इसलिए इसके लिए फलीदार पौधों की जड़ों में राइजोबियम वातावरण की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज कर लेता है, और ऐसा जब प्रोसेस होता है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण। ये कल अपन ने पढ़ा था, और आपने ये भी पढ़ा था कि इस पौधे और जीवाणु का जो संबंध है उस संबंध को सहजीविता कहते हैं, इस प्रक्रिया को सिम्बायोसिस कहते हैं, पढ़ा था कल की क्लास में, तो उसको सिम्बायोसिस कहते हैं, सहजीविता कहते हैं, सहजीविता, सहजीविता कहते हैं, इसी प्रक्रिया को नाम देते हैं सिम्बायोसिस, सिम्बायोसिस के नाम से जानते हैं। और जीवाणु का नाम क्या था, राइजोबियम या राइबोजियम, राइजोबियम था, ये राइजोबियम था। ये राइजोबियम जीवाणु पेड़ पौधों के अंदर केवल फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाते हैं। अच्छा, फलीदार पौधों के वो क्या नाम देते थे, क्या नाम था, लेग्यूमिनेसी कुल। फलीदार पौधों की जो फैमिली होती है उसको नाम देते हैं लेग्यूमिनेसी कुल। और मिट्टी के अंदर अगर गोबर की खाद होगी तो ये राइजोबियम जैसे जीवाणु हैं इनकी संख्या हमेशा बढ़ती है। अगर गोबर की खाद होगी तो उसमें जीवाणुओं की एक्टिविटी, क्रियाशीलता बढ़ती है, उसके साथ में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने की दर भी बढ़ती है, और लास्ट में लिखा है कि नाइट्रोजन से नाइट्रेट का निर्माण होगा, और नाइट्रेट पेड़ पौधे अच्छे से ग्रहण कर पाते हैं। इसलिए गोबर की खाद को खेतों में डालना DAP और यूरिया से अच्छा माना जाता है। ये यहां तक कल अपन नोट कर लिया था, आज अपन आगे पढ़ने वाले है। जस्ट अगला पॉइंट है गोबर धन योजना।
ये गोवर्धन योजना स्टार्ट क्यों करनी पड़ी? तो इसका कारण भी है, भारत में ODF कार्यक्रम चलाया गया है, स्वच्छ भारत अभियान। और स्वच्छ भारत अभियान के अंदर चाहे मनुष्य का मल मूत्र खुले में हो, चाहे पशुओं का मल मूत्र खुले में हो, उसको प्रदूषण से बचाने के लिए, या फिर खेतों के अंदर, अपने यहाँ तो चारे की कमी होती है, जहाँ पे विकसित देश है वहाँ पे अनाज ले लेते हैं, उसके बाद में चारे को कटिंग करके खेत में छोड़ देते हैं, या फिर तभी देखा कि उसको वापस खेत में मिला देते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। तो इससे मुक्ति पाने के लिए जो फसलों का अपशिष्ट है, चाहे पशुओं का अपशिष्ट है, चाहे मानव का अपशिष्ट है, इन सभी को प्रदूषण रहित करके वापस गोबर गैस, बायोगैस प्लांट गोबर गैस में बदलने के लिए जो योजना चलाई गई, उसका नाम रखा गया गोबर धन योजना। और इस योजना की शुरुआत हुई थी 30 अप्रैल 2018 के अंदर, 30 अप्रैल आप जैसा कि देख पा रहे हो 30 अप्रैल 2018 के अंदर। और इसको शुरुआत करने का जो कार्यक्रम है वो सुश्री उमा भारती और ये पेयजल और स्वच्छता मंत्री थे, इन्होंने सबसे पहले इस योजना की शुरुआत की थी। और शुरुआत हुई थी हरियाणा, हरियाणा के अंदर भी करनाल, करनाल हरियाणा से इसकी शुरुआत की गई। और करनाल के अंदर आप सबको पता है सबसे पहला डेयरी फॉरम वहीं था, जिसका नाम है नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। तो ये केंद्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान केंद्र वहीं पे है करनाल हरियाणा के अंदर, और यहाँ से इसकी शुरुआत हुई थी। और आपने पढ़ा था दूध क्रांति को शुरू करने वाले वर्गीज कुरियन, उन्होंने भी सब शुरुआत यहीं से की थी। भारत में दूध क्रांति, और दूध क्रांति के लिए जो क्रांति चलती है उसको कहते हैं श्वेत क्रांति, और श्वेत क्रांति जो चलती है उसको ऑपरेशन फ्लड भी कहते हैं। शुरू की क्लासों में आपने पढ़ा था ऑपरेशन फ्लड, और ऑपरेशन फ्लड के अंदर वैज्ञानिक का नाम आता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, इसको मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं, मिल्क मैन ऑफ इंडिया। बर्ड्स मैन किसको कहते हैं? सलीम अली को कहते हैं। रॉकेट मैन किसको कहते हैं? विक्रम साराभाई को कहते हैं। सही हो बिल्कुल, विक्रम साराभाई को कहते हैं। मिसाइल मैन किसको कहते हैं? यस, मिसाइल मैन कहा जाता है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साहब को कहा जाता है। यस, ये चीजें भी पढ़ी थी। गोबर धन योजना क्या लिखा है कि प्रति वर्ष 60,000 टन पशुओं का अपशिष्ट, और उसके साथ में 600 मिलियन फसलों का अपशिष्ट, इतना सारा पूरे विश्व के अंदर बहुत ज्यादा प्रदूषण फैलाता है। तो विश्व स्वास्थ्य संगठन ने, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 5 लाख इस बायोगैस इकाइयों के बारे में सोचने का कार्यक्रम चलाया, और इसके माध्यम से स्टार्ट की गई गोबरधन योजना भारत के अंदर। इसकी शुरुआत हुई थी 30 अप्रैल 2018। अभी भारत की योजना है, राजस्थान पे भी लागू होती है, इसलिए पढ़नी पड़ेगी। और इसकी शुरुआत पेयजल और स्वच्छता मंत्री सुश्री उमा भारती ने की थी, करनाल हरियाणा से इसकी शुरुआत हुई, और वहाँ पे NDRI के माध्यम से इसकी शुरुआत की गई। यस, आगे देखो क्या निर्णय लिया गया। जब ये योजना 30 अप्रैल 2018 है ना, तारीख को पढ़ के छोड़ना नहीं है, थोड़ा दिल दिमाग तक तारीख जानी चाहिए। क्या लिखा है? 30 अप्रैल 2018। थोड़ा होश में आओगे ना तो पता भी चलेगा, अच्छा 30 अप्रैल, नहीं तो पढ़ के छोड़ देते हैं। दिमाग घर की मुर्गी दाल बराबर समझता है, तो वो चीजें ज्यादा दिमाग में नहीं रहेगी। 30 अप्रैल 2018 को शुरू की गई। शुरू करने का काम सुश्री उमा भारती ने किया, और ये कौन सा विभाग चलाता है? पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री है ना, इस विभाग के द्वारा उमा भारती ने करनाल हरियाणा से NDRI से इसकी शुरुआत की गई। और भारत में जब गोबर धन योजना शुरू की गई, उसी टाइम भारत में 700 गोबर गैस प्लांट लगाए गए, और इन्होंने घोषणा की कि हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 1 यूनिट होना जरूरी है। तो ये ऐसा कार्यक्रम शुरू किया गया, ये 2018 की योजना है। और ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि खूब सारा पशुओं का अपशिष्ट और खूब सारा फसलों का अपशिष्ट वेस्ट में जाता है, जिससे प्रदूषण फैलता है। तो इसको रोकने के लिए इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई। यस, अगला पॉइंट है गोबर धन योजना के क्या क्या उद्देश्य रखे गए, ये शुरू क्यों की गई, इसके पीछे कुछ उद्देश्य होंगे। तो उद्देश्य के अंदर बात करते हैं। सबसे पहला, गोबर गैस जब बनाई जाती है तो इसमें कोई रोकड़ा पैसा नहीं लगता है। सिलेंडर लेने जाओ मार्केट में, अलग अलग कंपनियों के अलग अलग रेट है, लेकिन कम से कम 800 रुपए तो है नॉर्मल के लिए, BPL की बात नहीं कर रहे अपन, तो 800-900 रुपए मैक्सिमम, जाओगे तो 1000 रुपए तक भी लगते हैं गोबर गैस सिलेंडर के। लेकिन इधर भाई साहब, मन पड़े तब यूज करो, घर के अंदर
सबसे सस्ता भी है और स्वच्छ ईंधन भी है। तो फर्स्ट में लिखा हुआ है कि बायोगैस है, ये स्वच्छ ऊर्जा का ईंधन माना जाता है। लकड़ियों को जलाओगे, गोबर के उपलों को जलाओगे, प्रदूषण होगा, कुछ न कुछ तो होगा, लेकिन यहां से कोई प्रदूषण नहीं निकलता। बायोगैस प्लांट में गोबर गैस बनती है, उसको इकट्ठा करके पाइपलाइन के माध्यम से रसोई तक कनेक्शन देते हैं। अच्छे से जलाओ, आप लोगों ने वो देखा है, आजकल तो नहीं होता, लेकिन आज से 10 साल पहले गांव में कोई बारात आन अगर ठहरती तो मार्केट से वो छोटे वाला गैस का बर्नर होता था, उसमें गैस भरवा के लाते थे, आधा किलो किलो, उसके ऊपर एक मेटल लगाते थे, सफ़ेद कलर का होता था, उसका भी पारंगत कोई कोई होता था, फिर वही उसको सेट करता था, फिर उसको जलाते थे, सफ़ेद वो मेटल पूरा का पूरा ऐसे सिकुड़ जाता था, फिर उसमें अच्छी रोशनी होती थी। पता है तुम लोगों ने देखा उस सिस्टम को? नहीं देखा है? देखा आप लोगों ने? वो जो सिस्टम होता है वैसा का वैसा गोबर गैस में मेटल बांधते हैं, अंदर से गैस निकलती रहती है और हर जगह पे और साइड में पूरा कवर करके रखते हैं। अच्छा सिस्टम है, अच्छी हर जगह रोशनी भी होती है, रोशनी भी करते हैं, प्लस गोबर गैस घर के अंदर खाना बनाने में भी काम में लेते हैं। इधर की तरफ आप गड्ढा रोड पे जाओगे तो गोपाल गौशाला है या कुछ मोहन गौशाला है, और उस मोहन गौशाला में देखो तो क्या मस्त एकदम व्यवस्था बना रखी है, हर जगह पे छोटे छोटे वो लटू बल्ब लगा रखे हैं जो जलते भी है, प्लस हर जगह पर गैस कनेक्शन दे रखा खाना पकाने के लिए, कोई गैस की टंकियां नहीं भरवाना, पशु खूब है उनके पास, गोबर गैस बनती है, काम में लेते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा है? स्वच्छ ईंधन है। लकड़ियां जलाओगे, कोयला जलाओगे या फिर गोबर के उपले जलाओगे, धुआं फैलेगा, लेकिन इससे कोई धुआं नहीं फैलता, स्वच्छ ईंधन माना जाता है। सेकेंड पॉइंट, सस्ती है और स्वच्छ भी है और ऊर्जा उत्पादन का एक नवीन तरीका भी है। थर्ड पॉइंट, रोजगार के अवसर पैदा होते हैं। आप किसी गोबर गैस प्लांट को लगाओगे तो कम से कम 4 आदमी चाहिए वहां पे, एक टाइम में पशुओं का गोबर इकट्ठा करना, दूसरे नंबर पे लगातार उसमें गोबर को डालते रहना, 3 नंबर पे लगातार अंदर जो राबड़ बन जाता पूरा सलरी बन जाती उसको निकालने का काम, और चौथा उसको सुखाने का काम, पैक करने का काम, और गोबर गैस से लास्ट में जो खाद सूखती है बहुत महंगी बिकती भी है, मार्केट में जो नर्सरी वाले बैठे ये उसको खरीद के भी ले जाते हैं, 7-8 रुपए किलो बिकती है, भाई साहब दिन में कितने टन गोबर निकलता है। अच्छे रोजगार के साधन भी देखे जाता है। तो तीसरा लिखा हुआ है, रोजगार के अवसरों का भी सृजन होता है। चौथा, कार्बनिक खाद इससे प्राप्त होती है, यूरिया डालोगे, डीएपी डालोगे, उससे अच्छी तो खाद प्राप्त हो जाती है, गोबर गैस तो बनते ही है, लास्ट में जो पूरा उसका अपशिष्ट बचता है वो गजब की बहुत शानदार खाद होती है और ये सलरी से प्राप्त होती है। अपशिष्टों का प्रबंधन हो जाता है, कोई कचरा नहीं फैलेगा इधर उधर, कुछ भी हो, गोबर हो, घास फूस हो, भूसा हो, कुछ भी हो डालो उस औदी के अंदर, पूरा का पूरा गोबर गैस बन करके निकलता है और लास्ट में बीमारियां नहीं फैलेगी उस एरिया में, प्रदूषण नहीं फैलेगा। नहीं तो मार्केट में देखो भाई साहब कीचड़ कितना फैलता है, और इस माध्यम में डालो कीचड़ को उसके अंदर, गोबर गैस बन करके तैयार, बाकी थैलियों में पैक करो बेचो, बहुत अच्छा सिस्टम है, कोई उसमें बीमारियां नहीं फैलेगी गोबर गैस के अंदर। ये सारे के सारे उद्देश्य ध्यान में रखते हुए गोबर धन योजना 30 अप्रैल 2018 सुश्री उमा भारती पेयजल एवं स्वास्थ्य मंत्री के द्वारा ये कार्यक्रम स्टार्ट किया गया, और कितनी इकाइयां लगाई गई, सबसे पहले 700, फिर उद्देश्य रखा पर डिस्ट्रिक्ट के अंदर कम से कम एक यूनिट होनी बहुत जरूरी है। शुरुआत कहां से हुई? करनाल कहां पे? हरियाणा के अंदर, और वहां पे भी स्थान कौन सा? NDRI। ओके, हेडिंग नोट करो आप, गोबर धन योजना। गोबर धन योजना, गोबर धन योजना के अंदर नोट करो, इसका लिखो, अपशिष्टों के नियंत्रण हेतु यह योजना तीस अप्रैल 2018
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री सुश्री उमा भारती ने करनाल हरियाणा में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान से इसकी शुरुआत की नेक्स्ट पॉइंट, इसके अंतर्गत सात सौ इकाइयां तथा प्रत्येक जिले में एक इकाई स्थापित की गई नेक्स्ट, आप नोट करो, गोबर धन योजना के उद्देश्य एक बच्चा पूछ रहा, सर WHO की स्थापना कब हुई, पता तुम्हें कब हुई? साइड में लिख लो साथ में, WHO पूरा नाम क्या होता है इसका? हाँ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोले तो विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना 7 अप्रैल को हुई है, 7 अप्रैल। इसलिए ध्यान रखना, तुम लोग सामान्य विज्ञान पढ़ोगे ना तो वहां पर आता है विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाते हैं, विश्व स्वास्थ्य दिवस, और ये 7 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाते हैं? क्योंकि WHO की स्थापना हुई थी, और ये घटना कब की है? 1948 की है। आप लिख लो साथ में, WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948, और पास में लिख लेना 7 अप्रैल विश्व स्वास्थ्य दिवस, वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस। सामान्य विज्ञान में ये चीजें बहुत आपकी हेल्प करेगी। कल ऊंट का वैज्ञानिक नाम आया था, पता है तुम्हें क्या नाम था? कैमेलियस ड्रोमेंडरिस। यस, ऊंट का वैज्ञानिक नाम, और ऊंट का वैज्ञानिक नाम था कैमेलियस। कैमेलियस के साथ में क्या था? ड्रोमेंडरिस, ड्रोमेंडेरिस, ये कैमेलियस ड्रोमेंडरिस था। अच्छा, उससे पहले तुमने पढ़ा था गाय का वैज्ञानिक नाम, यस, नाम था बोश, आगे क्या नाम था? इंडिकस, बोश इंडिकस। आज तुम लोग याद रखोगे, बकरी का तो नाम याद हो ही गया है, नाम है कैप्रा हिरकस। ओके, बकरी, ये बकरी, बकरी बकरा सब इसमें आ जाएगा, ठीक है ना? और बकरी का वैज्ञानिक क्या है? कैप्रा हिरकस, कैप्रा हिरकस, ये याद रखोगे। आज तुम्हारे खाते में बकरी का वैज्ञानिक नाम है, नहीं लगता ज्यादा टाइम लगेगा, अभी तुम्हें याद हो गया होगा। और इसके साथ में भैंस का भी नाम याद रखोगे, क्या नाम था? इसका नाम था बेबुलस, आगे बुवेलिस, बेबुलस बुवेलिस, ये इनका वैज्ञानिक नाम है। बकरी का वैज्ञानिक नाम है कैप्रा हिरकस, और भैंस का वैज्ञानिक नाम है बेबुलस बुवेलिस।
कल तुम लोगों को पता हो, अपन ने गोडावण का भी नाम सुना था, नहीं पता? मोर का भी वैज्ञानिक नाम आया था, याद रखोगे जनरल साइंस में काम आएगा, मोर का वैज्ञानिक नाम क्या नाम रहता है? पेवो, पेवो क्रिस्टेटस, क्रिस्टेटस, पेवो क्रिस्टेटस होता है। गोडावण का वैज्ञानिक नाम, गोडावण, गोडावण का वैज्ञानिक नाम है क्रायोटिस, क्रायोटिस, आगे नाइग्रीसेप्स, क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स, ये अपन कल फिर आगे याद कर लेंगे, लेकिन तुम लोग याद याद रखोगे बकरी और उसके साथ में भैंस, लिख लो एक बार सभी तो याद भी रह जाए तुम्हें साइड में, बकरी कैपरा हिरकश। भैंस का वैज्ञानिक नाम है बेबुलस बुवेलेस, मोर का वैज्ञानिक नाम है पेवो क्रिस्टेटस, पेवो क्रिस्टेटस। हाँ वो तो उसका इंग्लिश में नाम है। हिरण का वैज्ञानिक नाम क्या है? हिरण का बिल्कुल एकदम सिंपल है, हाँ गजेला, गजेला, दो बार याद रख लेना, गजेला गजेला, सिंपल नाम है। हिरण का वैज्ञानिक नाम, हिरण का वैज्ञानिक नाम है गजेला, गजेला, गजेला गजेला, ये हिरण का वैज्ञानिक नाम है। खेजड़ली बलिदान कब हुआ था? 1900 1773 30, और उस टाइम जोधपुर के ऊपर राज कौन कर रहे थे? अभय सिंह के टाइम में, वो किला बन रहा था, लकड़ियों की जरूरत थी, चूना पकाना पड़ता था, तो इसलिए लकड़ियां काटने का प्रोसेस वो जोधपुर के जस्ट पास में ही है, खेजड़ली गांव। चलो यहां तक आपने नोट कर लिया, बकरी कैपरा इरकस, भैंस के अंदर बेबुलस बुवेलिस, मोर में पेवो क्रिस्टेटस, और गोडावण क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स, हिरण के अंदर गजेला गजेला, ये सिंपल नाम रहते हैं। यस, आप लोगों ने हेडिंग नोट कर रखी है, गोबरधन योजना के उद्देश्य। और स्वच्छता दिवस कब मनाते हैं? 7 अप्रैल को। WHO की स्थापना 1948 के अंदर हुई। यस, अरे साइंस कौन पढ़ाएगा, साइंस कौन पढ़ाएगा, उसके लिए तुम्हारे लिए कोई आएगा मंगल ग्रह से, हैं? वाह ऑनलाइन वाला। यस, अगला नोट करो, गोबर गैस उद्देश्य के अंदर फर्स्ट पॉइंट, यह स्वच्छ ईंधन, स्वच्छ ईंधन प्रदान करता है, गोबर गैस के बारे में बात हो रही है, ये स्वच्छ ईंधन प्रदान करता है। नेक्स्ट पॉइंट, गोबर गैस सस्ता तथा स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध करवाता है, सस्ता तथा स्वच्छ ऊर्जा उपलब्ध करवाता है। नेक्स्ट पॉइंट, रोजगार के नए अवसरों का सृजन होता है, रोजगार के नए अवसरों का सृजन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, कार्बनिक खाद का उत्पादन होता है, कार्बनिक खाद का उत्पादन होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अपशिष्टों का, अपशिष्टों, अपशिष्टों का उचित प्रबंधन होता है, अपशिष्टों का उचित प्रबंधन, अपशिष्टों का उचित प्रबंधन होता है। इधर गौशाला के अंदर तो ट्रैक्टर लगा हुआ, वो पीछे होती ना कराली, उससे भैसा पूरा यहाँ बुआर के डालता है अंदर गोबर, बड़ी बड़ी यूनिट लगी हुई इकाइयाँ,
और अंदर पूरा जाता है, अंदर बड़ा सा झेरना लगा हुआ, अंदर दिन भर यूँ घुमाता रहता है, और अंदर जब मस्त गोबर सड़ जाता है तो उसे गैस बनती है, उसको ऊपर इकट्ठा करते हैं फिर सप्लाई करते हैं। अगला पॉइंट नोट करो, स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां नहीं फैलती है, स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां नहीं फैलती है, स्वास्थ्य संबंधित बीमारियां नहीं फैलती है। नेक्स्ट आप हेडिंग नोट करो, बायोगैस ओब्लिक गोबर गैस प्लांट, बायोगैस ओब्लिक गोबर गैस प्लांट, गोबर गैस प्लांट, बायोगैस गोबर गैस प्लांट, बायोगैस गोबर गैस प्लांट, बायोगैस ओब्लिक गोबर गैस प्लांट। यस, ये बाहर से आप देख रहे हो ना, ये दिखने में आपको लग रहा होगा कि ये 1-2 फीट ही है, लेकिन ये काफ़ी बड़ा होता है, लगभग 10 से 12 फीट तक ऊपर हाइट पे होता है। ये तो है केवल गैस को इकट्ठा करने का ऊपर का चैम्बर, कार्यक्रम सारा अंदर होता है, टांका होता है 25 फीट तक गहरा। अच्छा, वो गोबर कितना उपलब्ध है उसके आधार पर बनाते, घर में तुम 25 फीट बना के मत बैठना, डालोगे क्या अंदर, गाय है एक तो तुम्हारे को 3 फीट ही बनाना पड़ेगा, इसलिए इसका कोई फिक्स आकार नहीं है। आकार तुम्हारी डिमांड पे डिपेंड करता है कि तुम्हारे पास में प्रोडक्टिविटी कितनी है, गोबर कितना पैदा हो रहा है। बड़ी गौशाला है, ठोको बड़ा, 3-4 बना दो। अब घर में गोबर की गाय तो उत्पादक देती है एक, उसमें भी सुबह सुबह आ जाते साहब मोरे आंगन गातनो है गोबर दया, 2 दिन पहला कॉल करें, बुक भी किया करें, गांव में रिवाज होता है, है? बीजों का ना लेण मत दे। चलो यार छोड़ो, तो ये गोबर की उपलब्धता ऐसे रहती है, और गोबर जितना है उसी के अकॉर्डिंग ये बनाई जाती है। लेकिन अगर भरपूर गौशाला है, प्रतिदिन अगर 50 किलो गोबर आ रहा है तो इसकी 13 फीट तो हाइट रखी जाती है ऊपर, 25 फीट इसको डेप्थ देते हैं, पर डे 13 किलो, पर डे 50 किलो गोबर आता है तो 4-5 दिन के अंदर काफ़ी भर जाता है, इतनी इसकी कैपेसिटी होती है, क्योंकि ऊपर इसको सड़ने के लिए काफ़ी सारा सिस्टम चाहिए। अब इसका डायग्राम कैसे होता है उसके ऊपर आपने हेडिंग नोट कर रखी है, तो मैं चलता हूँ गोबर गैस प्लांट के ऊपर। गोबर गैस प्लांट दिखने में ऐसा होता है, आप लोग देखो अभी गोबर गैस का प्लांट कैसा होता है, तो गोबर गैस का प्लांट ऐसा होता है सिंपल, ये जमीन का लेवल है जैसे, और जमीन के लेवल पर ये जैसे जमीन का लेवल है, और इस जमीन के लेवल के नीचे टांका बनाते हैं, ऐसे ही उन टांका बना देते हैं, और टांका बनाने के बाद इसके ऊपर की तरफ ओदी बना देते हैं। तो देखना आप टांके की संरचना अंदर से, ये जो कंप्लीट टांका अपने को दिख रहा है, इस टांके के अंदर की तरफ एक दीवार और बनाते हैं ईंटों की, ऐसे यूँ दीवार बना देते बीच में, और ये पूरी ऐसे दीवार सटी हुई है, पूरा का पूरा गोल टांका है ये, मतलब ऐसे सटा हुआ है, और इसके बीच में ईंटों की चुनाई कर देते हैं, चुनाई कर देते हैं, बीच में ईंटें लगा देते हैं, और ईंटें जब अंदर सेट करते हैं तो ईंटों की चुनाई के अंदर ऐसे बीच में गैप रखा जाता है, ऐसे यूं लगातार इसमें गैप रखा जाता है, लगातार ऐसे गैप रखते हैं, और गैप रख करके इसको तैयार किया जाता है। ऐसा जब सिस्टम तैयार करते हैं तो इधर की तरफ से गोबर इसमें डाला जाता है, इधर बहुत बड़ा एक होज सिस्टम होता है, होज सिस्टम होता है, पहले तो आकर के इसमें गोबर इकट्ठा होगा, और इकट्ठा होने के बाद में नीचे एक पाइपलाइन और होता है, इसको हल्का सा खोलते हैं तो खोलते ही गोबर कंप्लीट पहुंच जाता है इस गड्ढे के अंदर, यहाँ पे गोबर इसके अंदर पहुंच जाता है, और ये इसका इनलेट सिस्टम होता है जिसमें यहाँ पे गोबर आकर के इकट्ठा होता है पूरी गौशाला से, और यहाँ से गोबर इस चैम्बर के अंदर जाता रहता है। ये जो पूरा अंदर का भाग है, इस अंदर के भाग को कहते हैं डाइजेस्टर, क्या नाम देते हैं इसको, नाम देते हैं डाइजेस्टर, ये होता है डाइजेस्टर। तो इस डाइजेस्टर होता है, पूरा का पूरा डाइजेस्टर है, इसमें 2 भाग होते हैं, एक होता है ए फ्रैक्शन और दूसरा होता है बी फ्रैक्शन। इधर गोबर डालेंगे, ऊपर मोटर लगी होती है, मशीन लगी होती है जिसमें झेरना लगा होता है अगर ज़्यादा उत्पादकता है तो, और वो एनी टाइम गोबर को काटती रहती है, मिलाती रहती है, धीमी स्पीड में झेरना चलता रहता है तो गोबर को पूरा का पूरा काटता रहता है। फिर यहाँ से गोबर पूरा आकर के इधर इकट्ठा हो जाता है तो ये दीवार के माध्यम से उधर चला जाता है, इधर चला जाता है। अब इसको पूरा पैक करके रख लेते हैं, 15 दिन तक
अंदर गोबर ढंग का सड़ेगा। सड़ेगा क्यों? गोबर के अंदर एक विशेष जीवाणु पाया जाता है, गोबर के अंदर जीवाणु पाया जाता है, बहुत लाभदायक जीवाणु होता है, खाना मत, बहुत लाभदायक होता है। क्यों? एनी टाइम वो एक गैस पैदा करता है जिसका नाम होता है मैथेन, अंदर से गैस पैदा करता है। कौन करता है? गोबर में पाया जाने वाला जीवाणु। तो ये अंदर की तरफ तो गोबर, और इस गोबर के अंदर पाया जाता है जीवाणु। जीवाणु कल भी पढ़ा था अपन ने, फलीदार पौधों की जड़ों में पाया जाता है। हाँ हाँ, राइजोबियम है ना, तुम लोग राई, हाँ आगे ब मत बोलना, राइजोबियम है। यस, ये जो गोबर में जीवाणु पाया जाता है, इस जीवाणु का नाम है मैथेनोजेंस जीवाणु। इसका नाम है मैथेनोजेंस जीवाणु। ये मैथेनोजेंस जीवाणु जो गोबर में पाया जाता है, ये गोबर के अंदर मैथेन गैस को पैदा करता है। देखो नाम ही है इसका मैथेनोजेंस, जेंस का मतलब पैदा करना, जनरेट करना। तो ये मैथेन को पैदा करता है, और मैथेन गैस का फॉर्मूला होता है CH4। ये CH4 गैस है जो अपन घरों में टंकियां लाते हैं उसमें भी सेम होती है। ये गैस पैदा हो गई। अब ये पूरा का पूरा अंदर जब डंका 15 दिन सड़ेगा, सड़ेगा क्यों? क्योंकि ये जीवाणु अवायवीय श्वसन करता है, जिसको ऑक्सीजन जरूरत नहीं है, ये करता है अवायवीय श्वसन। और अवायवीय श्वसन की जब प्रक्रिया होती है, बिना ऑक्सीजन के श्वास लेना छोड़ना, इसको कहते हैं अवायवीय श्वसन। ऐसा जब होता है तो इस प्रक्रिया को किण्वन भी कहते हैं। किण्वन का मतलब सड़ना। किसी सब्जी को खाने को आप दबा के रख लो 15 दिन तक, खोलते ही भाई साहब बेहोश हो जाओगे, होता है ना, इस प्रक्रिया को किण्वन कहते हैं। कोई पदार्थ अगर ढक के रख लिया और सड़ गया, उस प्रक्रिया को कहते हैं किण्वन। गोबर को ढक करके रख लेते हैं, घुमाते रहते हैं लगातार, ऑक्सीजन अंदर जानी नहीं चाहिए, बस ये डंका सड़ता है, किण्वन हो जाता है। किण्वन के बाद में बनती है मैथेन गैस, पूरा ये चैम्बर भर जाता है। ऊपर की तरफ यहां से वाल लगे होते हैं, अंदर की गैस ऊपर आ जाती है। ऊपर जैसे ही आती है तो ऊपर की तरफ 13 फीट तक ऐसा लंबा बड़ा चैम्बर बना देते हैं, ये ऊपर की तरफ ऐसा बड़ा चैम्बर बना देते हैं। अब ये गैस कंप्लीट इसमें आकर के इकट्ठी हो जाती है, और जब कंप्लीट गैस आकर के इसमें इकट्ठी होती है, तो गैस इकट्ठी होने के बाद में वहां ऊपर से कनेक्शन दे देते हैं। कैसे? ये यहां से इसमें कनेक्शन निकाल देते हैं, यहां से ऐसा पाइपलाइन लगा करके, और यहां से निकाल देते हैं कनेक्शन। और कनेक्शन निकालने के बाद में इस कनेक्शन को अलग अलग जगहों पर सप्लाई करके भेजा जाता है, अलग अलग पाइपलाइनों को आगे भेजा जाता है, और ये कंप्लीट सिस्टम आगे चलता रहता है। और इसके ऊपर कंट्रोलर लगा देते हैं, और ये सिस्टम आगे से आगे चलता रहता है। यहाँ पे भी कंट्रोलर लगा दिया, और ये गैस की सप्लाई आगे चलती रहती है। बहुत अच्छा सिस्टम है, और ये पूरा होता है गोबर गैस का प्लांट। इस गोबर गैस प्लांट में ये ऊपर का जो भाग है, इसमें गैस को कलेक्ट किया जाता है, गैस को इकट्ठा किया जाता है। तो ऊपर की तरफ गैस को इकट्ठा करते हैं, इस भाग को कहते हैं डाइजेस्टर, ऊपर से गैस की सप्लाई दे देते हैं, और यहां से गैस निकल करके अलग अलग रसोई के स्थानों तक जाती है। अवायवीय श्वसन होता है उसको किण्वन कहते हैं। अंदर के कंप्लीट भाग को कहते हैं डाइजेस्टर, और इस डाइजेस्टर के अंदर अवायवीय श्वसन होता है। जीवाणु पाया जाता है मैथेनोजेंस, और इस जीवाणु में गोबर को सड़ा के मैथेन गैस बनाने की पावर पाई जाती है। अब आगे देखो, अंदर पूरा जब सड़ जाएगा, तो सड़ने के बाद में अंदर इसे बाहर भी खींचा जाता है। बाहर खींचने के लिए यस, अब इसको बाहर भी खींचना है, और इस अंदर वाले सिस्टम को बाहर खींचने के लिए यहां से ऐसे पाइप लगे होते हैं। अंदर से पूरा सिस्टम खींच के बाहर लेते हैं, और बाहर जब खींच के लेते हैं तो यहां पे वापस एक चैम्बर बना होता है ऐसा, ये ऐसा चैम्बर बना हुआ है, ये यहां से खींच के बाहर निकाल देगा, ये अंदर के भाग को बाहर निकाल देगा। अंदर जब पूरा का पूरा सड़ जाता तो कादा बन जाता है, उसको कहते हैं कर्दम। ये जो पाइपलाइन बाहर आ रहा है, ये पाइपलाइन किसको खींचेगा? कर्दम को बाहर की तरफ खींचेगा। कर्दम बाहर आकर के पूरा का पूरा उसमें इकट्ठा हो जाएगा, तब उसको नाम देते हैं स्लरी। अलग अलग स्टेप पे क्या नाम देते हैं ये भी ध्यान रखना। तो इसमें पूरा आकर के कौन इकट्ठा हो जाएगा? स्लरी। और स्लरी इकट्ठा होने के बाद इसको जमीन पर फैला देते हैं। कोई इतना प्रदूषण नहीं होता ना, कोई ज्यादा गैस निकलती, गैस तो निकलने वाली थी, निकल गई, अब कुछ नहीं है। बाहर जो कादा आया उसको जमीन पर फैला देते हैं 25x25 के अंदर, विद इन एक दिन में सूख जाता है। इकट्ठा करते हैं, पॉलीथीन थैलियों में पैक करते हैं, 3 रुपए किलो बेचते हैं, बहुत पैसा कमाते हैं। उधर से पैसा कमाएंगे, इधर से पूरा
गौशाला का गोबर आके जब इकट्ठा होगा तो प्रदूषण नहीं फैलेगा और लगातार इसमें से गैस पैदा होती है। घर में कितनी आप सिस्टम चलाते रहो, कोई इसमें मतलब कमी नहीं पड़ती है, शानदार सिस्टम चलता है। और मऊ गौशाला में शायद 4 इकाइयां लगी हुई है, बहुत शानदार प्रोडक्शन होता है। गोबर की खाद जो पैदा होती है वो गौशाला क्या ना जो नर्सरी वाले होते हैं वो खूब ले जाते हैं, बेचते हैं, तो ये बहुत अच्छा सिस्टम चलता है। यस, लिखो आप इसके बारे में आगे। लिखो, गोबर की उपलब्धता, गोबर की उपलब्धता के आधार पर, गोबर गैस प्लांट का डाइजेस्टर, गोबर गैस प्लांट का डाइजेस्टर, डाइजेस्टर के कोष्टक में लिखोगे पाचित्र, गोबर गैस डाइजेस्टर, डाइजेस्टर के कोष्टक में लिखा आपने पाचित्र, पाचित्र निर्मित किया जाता है, पाचित्र निर्मित किया जाता है जिसमें गोबर के साथ, जिसमें गोबर के साथ मेथेनोजेंस जीवाणु, गोबर के साथ मेथेनोजेंस जीवाणु अवायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन किण्वन द्वारा, अवायवीय श्वसन किण्वन द्वारा मेथेन, किण्वन द्वारा मेथेन का निर्माण करता है, अवायवीय श्वसन द्वारा मेथेन का निर्माण करता है जिसकी सांद्रता, जिसकी सांद्रता 65 से 75%, ये आंकड़ा सही है, जिसकी सांद्रता 65 से 75% तक होती है, जिसमें मेथेन गैस की सांद्रता 65 से 75% तक होती है। नेक्स्ट लाइन में नोट करो, करदम, करदम जो अंदर कादा सड़ गया पूरा, करदम कोष्ठक स्लरी, कोष्ठक स्लरी को सुखाकर, को सुखाकर कार्बनिक खाद बनाई जाती है, करदम स्लरी को सुखाकर कार्बनिक खाद बनाई जाती है जिसमें, जिसमें एनपीके, कार्बनिक खाद बनाई जाती है जिसमें एनपीके, जिसमें एनपीके तत्व उपलब्ध होते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटेशियम पेड़ पौधों के लिए सबसे अति आवश्यक तत्व माने जाते हैं, एनपीके उपलब्ध होते हैं। यस, तुम लोग इसका बना दो क्या, हाँ चीतर, चित्र बना दो इसका।
सर मैं सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ, किस टाइप से पढ़ाई करूँ कि एक बार में पशु परिसर क्लियर हो जाए। सुमित सोनी, पढ़ना तो पड़ेगा, तपना तो पड़ेगा। जो भर्ती जितना बलिदान मांगती है उतना नहीं दोगे तुम लोग होली दिवाली पढ़ाई करोगे तो कुछ भी नहीं होना है। जिस टाइम तुम्हारी तैयारी का लेवल, तुम्हारा खुद का नॉलेज परीक्षाओं के लेवल को पार करके जब ऊपर चढ़ जाएगा ना, तो एक नहीं दस दस परीक्षाएं पार हो जाएगी। लेकिन जब तक अपना नॉलेज नहीं होना ना, उस टाइम तुम प्रिंट कवर करवाते ना अपना एडमिट कार्ड, तभी तुम्हें लग जाता यार दूं कि नहीं दूं। खुद को यूं लग तो जाता है, फिर भले ही यूं मन मोड़ के जाकर के एग्जाम दे के आते हो, लेकिन तैयारियां अगर शानदार होती हैं तो हर पेपर पार होना स्टार्ट हो जाता है। वो तुम्हारे मेंटल साइकोलॉजी को पहले ही इंडिकेट कर लेता सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। तैयारियां करते नहीं है, पढ़ने का नाम लेते तो बहुत मुश्किल पड़ता है फिर। और आज के टाइम में देख लो मेरिट कितनी रहती है, भर्तियां आती है मेरिट है बहुत डाउन, 35% अनिवार्य कर दिया। जो 35% पार कर रहा है वो तो नौकरी लग रहा है, फिर कहते यार नौकरियां नहीं है, ये नहीं है। कारण और यही है कि पढ़ाई करते ही नहीं है। रियल मामला तो यही, नहीं तो मेरिट जानी चाहिए 90%। मेरिट कितनी जाती है 37%, 42%, 41%, 40% अनिवार्य, 42% नंबर ला रहा, सिलेक्शन हो रहा है, यही मामला पड़ा है। हाँ, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चूना राम, परिहार बाड़मेर, रमेश मीणा, सभी का वेलकम। करो पढ़ाई, करो डायग्राम बनाओ जल्दी। ऑनलाइन वाले हो, ऑनलाइन वाले आंदोलन तो नहीं करेंगे सर, पीछे वाले डिस्टर्ब कर रहे हैं, हैं? और पढ़ा भी कैसे होगा, रजाई ओढ़ के अंदर क्लास देख रहा होगा। हाँ सर पढ़ तो रहे, पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ रहे हो। चौथी पांचवीं क्लास है तुम्हारी आज, अच्छा मैटर चल रहा है और शानदार। इसी गति के साथ में अगर साथ में रिवाइज करते रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। ये ज़्यादा लंबा है नहीं, अब आगे सारी की सारे पशुओं की नस्लें आएगी और पशुओं में टीकाकरण कैसे होता है, पशुओं से संबंधित कौन कौन सी बीमा योजनाएं शुरू की गई है, ये तीन मोटे टॉपिक हैं। बाकी फिर सब छोटा है, मुर्गी पालन हो गया, कुक्कुट पालन जिसको कहते हैं, मछली पालन की प्रक्रियाएं हैं, बकरी पालन, भेड़ पालन, भैंस पालन, गाय भेड़ की कुछ नस्लों के बारे में, ऊंट पालन, ये लंबा चौड़ा कोई सिलेबस नहीं है। गर्भाधान की प्रक्रिया थी, अपन ने करवा दी है, ये टॉपिक काफ़ी बड़ा था तो इसको भी आपने अच्छे से पढ़ लिया है। बाकी सब सिंपल टॉपिक होने वाले हैं। चित्र बना दिया आप लोगों ने, चले आगे। नेक्स्ट, यस, आगे का पॉइंट आता है बायोगैस उत्पादन। जब अपन करते हैं तो इससे क्या क्या फायदे होते हैं, बायोगैस उत्पादन के फायदे। घर में या फिर गौशालाओं में कहीं भी बायोगैस प्लांट अगर लगाते हैं तो पहला उसका उत्पादन है स्लरी। स्लरी से बनता है खाद, और खाद भी कौन सी, कार्बनिक खाद बनती है। कार्बनिक खाद सबसे सुपर मानी जाती है, सबसे सुपर कोटि की जो खाद होती है वो हमेशा कार्बनिक खाद होती है। इसलिए फसलों के ऊपर जब इसको डालोगे तो फसलों के अंदर उत्पादकता बढ़ेगी। खेत में जीरा अगर 150 बोरी हो रहा है और डाल दिया आपने 5 हेक्टेयर कार्बनिक खाद, भाई साहब 150 बोरी से 500 बोरी हो जाएगा। एक छोटा सा सरकारी बीघा होता है उसके अंदर आदमी 4 बोरी गेहूं पैदा कर लेता है, 4 बोरी गेहूं। इसमें अगर कार्बनिक खाद डाल देना 20 बोरी हो जाएंगे। आप सरप्राइज करोगे, इतो खेत 20 बोरी निकाल आके था मैं गेहूं।
ये कार्बनिक खाद का कमाल होता है। अगला पॉइंट, बायोगैस से जो बायोगैस बनती है वो बिल्कुल एकदम स्वच्छ ईंधन होता है, धुआं नहीं बनता इससे, कोई फ्यूम्स नहीं बनते हैं। फ्यूम्स का मतलब होता है धुआं, धुआं बिल्कुल भी नहीं बनता है, धुआं बनता ही नहीं है। अगला लिखा नो पॉल्यूशन, कोई प्रदूषण नहीं होता है, प्रदूषण होता ही नहीं है। प्रदूषण का मतलब लकड़ी जलाने का कार्यक्रम नहीं है, आप गोबर को कहीं फैलने नहीं दोगे तो प्रदूषण नहीं होगा, और प्रदूषण नहीं होगा तो बीमारियां नहीं फैलेगी, रोगों से बचाव हो जाएगा, ये भी इसके अंदर फायदे रहते हैं। और लास्ट में लिखा हुआ है गोबर गैस प्लांट लगाओगे हर टाइम घर में टंकी उपलब्ध, तो लकड़ियां काटने की, पेड़ काटने की कोई जरूरत नहीं रहेगी। तो लास्ट में लिखा है सेव द ट्री, पेड़ पौधों को काटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। लास्ट पॉइंट आप नोट कर लो, बायोगैस उत्पादन के फायदे, बायोगैस उत्पादन के फायदे, बायोगैस उत्पादन के फायदे। यस, फर्स्ट आप पॉइंट नोट करो, लिखो फसल उत्पादकता, फसल उत्पादकता में वृद्धि होती है, फसल उत्पादकता में वृद्धि होती है। सेकंड पॉइंट, बायोगैस स्वच्छ ईंधन, बायोगैस स्वच्छ ईंधन के कारण धुआं निर्मित नहीं होता है, स्वच्छ ईंधन के कारण धुआं निर्मित नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, यह प्रदूषण रहित ईंधन है। और चौथा पॉइंट, इसमें पेड़ों को काटने की आवश्यकता नहीं होती है, या पेड़ बच जाते हैं, पेड़ों को काटने की आवश्यकता नहीं होती है, पेड़ इसे बच जाते हैं। यस, आगे की क्लास जो रहेगी उसमें अपन पढ़ेंगे वर्मी कंपोस्ट के बारे में, वर्मी कंपोस्ट, या जिसको आप कहते हो केंचुओं की खाद, केंचुआ, ये केंचुआ, और केंचुओं का जब अध्ययन करते हैं तो केंचुओं का अध्ययन कहलाता है वर्मी कल्चर। केंचुओं का अध्ययन, केंचुओं की स्टडी को कहते हैं वर्मी कल्चर, वर्मी कल्चर के नाम से जानते हैं। पूरे विश्व में सबसे बेस्ट जो केंचुए की खाद मानी जाती है, केंचुए की खाद में भी वही होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, ये तीनों ज़्यादा पाई जाती है। केंचुआ जिसकी प्रजाति का नाम है पोस्थुमा फेरिटीमा, ये नाम अक्सर उल्टा होता रहता, सही लिखा मैंने, गलत लिखा है, पोस्थुमा फेरिटीमा, यस मैंने लिख दिया इसको उल्टा, मतलब कि इसको करना पड़ेगा आगे, ले भाई तू आगे आ जा। तो इसका नाम होता है फेरिटीमा पोस्थुमा, और ये फेरिटीमा पोस्थुमा एक केंचुए की प्रजाति है जिससे पूरे विश्व में सबसे सुपर खाद बनती है, याद रह जाएगा तुम्हें नाम, तो ये है पोस्थुमा फेरिटीमा, वही नाम आ रहा है फेरिटीमा पोस्थुमा, ये इसका वैज्ञानिक नाम है। जैसे अभी नाम आया था क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स, नाम आया था पेवोक्रिस्टेटस बेबुलस बुवेलिस, तो वैसे वैसे नाम है फेरिटीमा पोस्थुमा। तो फेरिटीमा में एफ पहले आता है और पोस्थुमा का पी बाद में आता है, ऐसे याद रख लेना। तो ये नोट कर लो आप, केंचुओं का अध्ययन, वर्मी कल्चर, और सबसे सुपर और श्रेष्ठ जो खाद प्राप्त होती है उसका नाम होता है फेरिटीमा पोस्थुमा। ओके, तो क्लास को खत्म करती है, मिस्टर तेज ब्रिजवाल सबका वेलकम, थैंक यू, बाय। अपन लास्ट में केंचुओं पे पहुंचने वाले थे, और उससे पहले सारी की सारी चीज़ें अपन ने चलाई थी गोबर गैस प्लांट के ऊपर, कुछ चीज़ें याद में होगी हैं। एक कल आप लोगों ने वैज्ञानिक नाम लास्ट में लिखा था केंचुए का, और उसमें एफ पहले आ रहा था,
पी पाद में था, ये चीज ध्यान रखोगे, कई बार उल्टे सीधे हो जाते हैं। तो नाम था उसका फेरिटीमा पोस्थुमा, ये वैज्ञानिक नाम कल की क्लास में अपन ने लिखा था। यस, ये सामने जो डायग्राम पढ़ा है इसको कल अपन ने खूब पढ़ा था, अच्छे से पढ़ा था। गोबर गैस प्लांट, बड़ी अगर गौशाला होती है तो इसकी टोटल जो साइज रखी जाती है डोम की वो लगभग 13 फीट होती है, गहराई 25 फीट तक रखी जाती है। बाकी जितना गोबर उत्पादन होता है उसके आधार पर इसकी साइज दी जाती है। ओके, और कल अपन ने पढ़ा भी था इसके रेस्पेक्ट में कि जब अपन गोबर गैस प्लांट तैयार करते हैं तो गोबर गैस प्लांट के अंदर, गोबर गैस प्लांट, इस गोबर गैस प्लांट में मुख्य आवश्यकता अपने को गोबर की होती है, बाकी बाहर से कुछ भी नहीं मंगाना पड़ता है। और सिंपल अपन ने प्रक्रिया देखी थी जिसमें एक बहुत बड़ा टांका खोद लेते जमीन के अंदर और इस टांके के ऊपर की तरफ होज बना देते हैं जिसमें गैस को इकट्ठा किया जाता है, ऊपर से कनेक्शन दे देते हैं बाहर की तरफ और यहाँ पे लगा देते हैं रेगुलेटर। अंदर की तरफ यहाँ से गोबर डालना पड़ता है और अंदर एक ईंटों की दीवार बना देते हैं और ईंटों की दीवार के बीच में कुछ होल रखे जाते हैं जिससे गोबर इधर उधर होता रहता है और यहाँ से इसको खींच के बाहर ले लेते हैं। तो ये प्रक्रिया कल की क्लास में अपन ने देखी थी, यहां से गोबर जाता है इनलेट, अंदर जाएगा और अंदर लगे होते हैं बड़े बड़े विडोलक जो लगातार इसको मिलाते रहते हैं। मिलाने के बाद में इसको 15 दिन तक पैक करके छोड़ देते हैं, 15 दिन तक इसको पैक करके छोड़ देते हैं और 15 दिन तक इसको पैक करके जब छोड़ देते हैं तो अंदर की तरफ होता है अवायवीय श्वसन, वायवीय श्वसन। और अवायवीय श्वसन होता तो अंदर एक जीवाणु पाया जाता, कल नाम सुना था आपने, किण्वन, जीवाणु का नाम किण्वन, हाँ जीवाणु का नाम था मेथेनोजेंस, मेथेनोजेंस। और इस मेथेनोजेंस में जब अवायवीय श्वसन होता तो इसको कहते हैं किण्वन, और किण्वन के द्वारा कौन सी गैस बनती है, मेथेन गैस बनती है। मेथेन का फॉर्मूला कितने परसेंट बनती है, 65 से 75% के बीच में बनती है। थोड़ी सी गरीब है, जो आप खाना बनाने के लिए टंकी जो काम में लेते हो ना वो बहुत धांसू होती है, उतनी हीट नहीं देती है, बेचारी थोड़ी गरीब है, लेकिन सस्ता है, पैसे थोड़ी ना लग रहे, रोकड़े पैसे कुछ नहीं लग रहे, बस गाय होनी चाहिए, है ना। आजकल तो गौशाला वाले गोबर बेचते भी है, घर में आंगन गातनो पड़े ना भाई साहब, एक कुंडे रहा 10 रुपया, हमारे को पता है पास में गौशाला बनाई है तो सुबह सुबह उसकी शानदार मजूरी हो जाती है, सुबह सुबह जाते हैं और कुंडा उसने फिक्स कर रखा है, आपके कुंडे में उसके 3 कुंडे आएंगे 30 रुपये का गोबर, नहीं तो ले जाओ तोल के। तो छोड़ो यार, तो ये गोबर अंदर डालते हैं, गोबर अंदर सड़ता है, सड़ता है तो अंदर मेथेनोजेंस और ये मेथेन बनाता है, 65 से 75% तक बनती है। फिर 15-20 दिन के बाद अंदर जो पूरा कादा तैयार हो जाता है उसको कहते हैं करदम, उस करदम को खींचा जाता है बाहर, बाहर जब ये कादा निकल जाता तब इसको नाम देते हैं स्लरी, और इस स्लरी को सुखा देते हैं और सुखाने के बाद में इसकी बनाई जाती है खाद, और इस खाद में 3 तत्व पाए जाते हैं, 3 तत्व पीछा नहीं छोड़ेंगे, परीक्षा में आएगा NPK, तो इसके अंदर NPK, ये 3 तत्व ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। तो ये यहाँ तक अपन ने कल की क्लास में पढ़ लिया था, ऊपर गैस को इकट्ठा करते हैं फिर आगे इसकी सप्लाई दी जाती है, इन चीजों को पढ़ लिया था। और ये केंचुए है, केंचुए का वैज्ञानिक नाम क्या रहेगा, फेरिटीमा, फेरिटीमा, फेरिटीमा के साथ में पोस्थुमा नहीं था, पोस्थुमा, फेरिटीमा पोस्थुमा, ये वैज्ञानिक नाम याद रखोगे। और कल कोई तुम्हारे खाते में वैज्ञानिक नाम आए थे, यस खूब सारे नाम आए थे, एक नाम आया था मोरिय का पेवोक्रिस्टिटस, एक नाम आया था गोडावर्ण क्रायोटिस नाइग्रीसेप्स, एक नाम आया था हिरण का गजेला गजेला, एक नाम आया था ऊंट का कैमेलियस, अरे कैमल ऊंट कैमल, हाँ कैमेलियस ड्रोमेंडरिस, कैमेलियस ड्रोमेंडरिस, ये ऊंट का वैज्ञानिक नाम था। बाकी आपने बोस इंडिकस पहले याद कर लिया था, बेबुलस बुवेलिश, हाँ भैंस का ये आपने पहले, और कैप्रा इरकस बकरी का, ये पहले ही अपन ने नोट कर लिए थे। तो ये केंचुआ है, अब केंचुए की थोड़ी सी रामायण में बता देता हूँ,
ये कैचुआ खंडित होता है, इसके शरीर पर छोटे छोटे खंड पाए जाते हैं। और यहाँ से प्रश्न बनता है, जैसे अपन जो है बायोलॉजी के हिसाब से, जीव विज्ञान के हिसाब से, अपन साइंस की एक शाखा के भाग है और उसका नाम है मैमेलिया। क्या बोला मैंने? मैमेलिया। अपन बायोलॉजी के अंदर वर्गीकरण के जिस खांचे में आते हैं उसका नाम है मैमेलिया। मानव किस वर्ग का है? मानव। मानव किस कुल का जंतु है? तो मानव को मैमेलिया वर्ग में रखा गया है। जीव विज्ञान में जब जीव जंतुओं का वर्गीकरण किया गया तो मानव को कहते हैं मैमेलिया। मैमेलिया का मतलब होता है स्तनधारी। अब ये सब स्तनधारी है, नर भी है, मादा भी है, सब स्तनधारी है। और जिनके बाहर कान पाए जाते हैं और जिनके चेस्ट पर स्तन पाए जाते हैं, वो सारे के सारे स्तनधारी होते हैं। मानव स्तनधारी है। पक्षियों के अंदर आप लोग एक चमगादड़ देखते हो ना, जो उड़ता है, उड़ता भले ही है लेकिन वो कौन से परिवार का है? मैमेलिया का। वो पक्षी परिवार का नहीं है, मैमेलिया का। क्यों? कान होते हैं उसके। बच्चों को दूध पिलाती है चमगादड़, बच्चों को दूध पिलाती है जिसमें स्तन होते हैं प्लस जिसमें कान पाए जाते हैं, तो उन सभी को नाम देते हैं स्तनधारी। तो मानव कैसा जीव है? स्तनधारी जीवों में इसको शामिल करते हैं। ये जो स्तनधारी की कहानी है ये चमगादड़ में चलती है। एक आपने सुना होगा वो मछली, ब्लू व्हेल। ब्लू व्हेल के पीछे शब्द लगता है मछली, लेकिन वो मछली परिवार की नहीं है। कारण? कान होते हैं, बच्चों को दूध पिलाती है, और ये घटना जिसमें भी होती है वो सारे के सारे स्तनधारी होती थी। मानव कैसा जीव है? स्तनधारी। केंचुआ जिस परिवार का है, मानव जिस परिवार का है वो नाम आपने सुन लिया, उसी टाइप में केंचुआ भी एक परिवार का जीव है और उसका नाम याद रखोगे केंचुआ। केंचुआ जिस परिवार का है उसका नाम है एनेलिडा। एनेलिडा ये ध्यान रखोगे। एंडवे जो केंचुआ है, इस केंचुए के शरीर पर छोटे छोटे खंड पाए जाते हैं और ध्यान रखोगे खंडों की संख्या होती है 120 खंड पाए जाते हैं। केंचुए का शरीर जो खंडों में बंटा होता है, दूसरी गजब की केंचुए की बात यह है कि ये द्विलिंगी जीव है। द्विलिंगी जीव है, बाइसेक्सुअल जीव होता है। कारण? कारण मतलब ये ऐसा जीव है, जैसे ये केंचुआ है तो इस केंचुए के बस ये बेलनाकार जीव होता है ऐसा, और इस केंचुए का एक नंबर खंड, ये 120 नंबर खंड। एक नंबर खंड के बाद में खंड संख्या 14, 15, 16, 17, 18 ये खंड इसमें पाए जाते हैं। जो इसका 14 नंबर खंड है उसमें मादा जनन अंग पाए जाते हैं। जो इसका 18 नंबर खंड है उसमें नर जनन अंग पाए जाते हैं। याद रखना अपनी भारतीय परंपरा में क्या होता है, मादा पीछे नर आगे चलता है। समझ आया? लेकिन इसमें थोड़ी परंपरा अलग है, मादा आगे नर पीछे, याद रख लेना। और ये जो 14, 15, 16, 17, 18 के खंड है, इन खंडों का जो विशेष समूह होता है इसको पर्याणिका कहते हैं। क्या नाम देते हैं? पर्याणिका कहते हैं। इसके ये जो विशेष खंड है इन खंडों को कहते हैं पर्याणिका, इसको पर्याणिका के नाम से जानते हैं। पर्याणिका कहते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्लाइटेलम। क्लाइटेलम कहते हैं, क्लाइटेलम के नाम से जानते हैं। लेकिन केंचुए में भी एक प्रॉब्लम है, दो लिंग भले पड़े हैं लेकिन खुद जनन नहीं कर सकता। क्यों? इसमें पूर्वता पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पूर्वता। पूर्वता का मतलब है जो इसमें पुरुष के जनन अंग होते वो पहले विकसित हो जाते और मादा जनन अंग लेट विकसित होते हैं। पहले विकसित होते तो वो जनन के लिए रेडी हो जाते हैं। इसलिए केंचुए में जब मेटिंग की प्रक्रिया होती है तो केंचुए में एक ये केंचुआ और ये सामने दूसरा केंचुआ ऐसे आकर के जनन करते हैं। खुद केंचुआ खुद के साथ जनन नहीं कर सकता। क्यों? केंचुए में पाई जाती है पूर्वता। पूर्वता पाई जाती है। इस पूर्वर्ग का मतलब होता है पुरुष, यानी कि नर जनन अंग पहले विकसित हो जाते हैं तो केंचुआ खुद जनन नहीं कर सकता। पूर्वता पाई जाती है। 14 से 18 तक खंड होते हैं जिसको क्लाइटेलम पर्याणिका कहते हैं। 14वें में मादा, 18वें में नर जनन अंग पाए जाते हैं। तो ये पोस्तुमा फेरिटिमा की कहानी है। फेरिटिमा पोस्तुमा की कहानी है। गौशाला के बारे में भी पढ़ेंगे अपन आगे। यस, कुछ अपन कल की फाइलों को देख लेते हैं। और कल अपन ने सबसे पहले स्टार्ट किया था गोबर धन योजना। तारीख याद है ना? 30 अप्रैल 2018।
और इसी टाइम में कल आप लोगों ने नोट किया था विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल, और 7 अप्रैल की कहानी स्टार्ट हुई थी विश्व स्वास्थ्य संगठन से, WHO, और WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी जेनेवा, स्विट्जरलैंड के अंदर जेनेवा, वहां पे उस WHO का मुख्यालय है। यस, गोबर धन योजना क्यों शुरू की गई? प्रति वर्ष 60,000 टन पशुओं का अपशिष्ट और 600 मिलियन टन फसलों का अपशिष्ट, ये सारा का सारा वेस्ट फैलता है, और इससे विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि 5 लाख से ज्यादा पशु मानव इसके चपेट में आते, तो इसको खत्म करने के लिए गोबर धन योजना शुरू की गई। और गोबर धन योजना में मुख्य उद्देश्य था गोबर गैस प्लांट लगाना। जो ये योजना जब स्टार्ट हुई थी तो भारतवर्ष के अंदर 700 इकाइयां लगाई गई थी और प्रत्येक जिले में 1 इकाई होना जरूरी है, ये स्टार्ट किया गया था। तो ये पेयजल और स्वच्छता मंत्री सुश्री उमा भारती ने करनाल हरियाणा से NDRI से इसकी शुरुआत की। क्या उद्देश्य था? तो उद्देश्य के अंदर स्वच्छ ऊर्जा, सस्ता ईंधन, रोजगार के अवसर, कार्बनिक खाद, स्लरी, NPK प्राप्त होती है, अपशिष्टों का हो जाता है प्रबंधन और कोई बीमारियां नहीं फैलती है। शानदार था, इसलिए इसको स्टार्ट किया गया। एक ये पॉइंट कल नोट नहीं किया था, ये परीक्षा में लफड़ा करेगा। गोबर धन योजना में अगर कोई गोबर गैस प्लांट लगाता है, फाइल भरता है, तो सरकार उसको पूरा खर्चा देती है। भाई साहब 3 लाख का खर्चा आएगा, सब हम बना के देंगे, सब ओदियां टांके इन फिटिंग एंड सब करके देंगे, बट उसमें खर्चा जो रहेगा उसमें 60% केंद्र का, 40% राज्य का। कल आपने जहां लिखा था उसके खोंचे में अड़ाओ इसको। केंद्र और राज्यों का जो अनुपात है वो 60-40 का रहने वाला है। गोबर धन योजना में अनुपात ऐसा करके लिख लो, और अनुपात के अंदर 60-40 केंद्र के पास, सेंटर के पास में 60% खर्चा देगा और स्टेट गवर्नमेंट 40% खर्चा देगी। फिर अपन ने नोट किया था बायोगैस प्लांट के फायदे क्या क्या है। तो बायोगैस प्लांट से अपने को मिलती है कार्बनिक खाद। कार्बनिक खाद खेतों में डालोगे तो इससे फसल की उत्पादकता वृद्धि होती है, स्वच्छ ईंधन मिलता है, कोई प्रदूषण नहीं होता है, और पेड़ पौधों को काटने की भी आवश्यकता होती नहीं है, क्योंकि अपने को तो जो चाहिए वो पहले से ईंधन मिल ही रहा है। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं वर्मी कंपोस्ट। कल की क्लास में आपने एक शब्द लिखा था, जब केंचुओं का अध्ययन करते यस, उस प्रक्रिया को वर्मी कल्चर कहते हैं, उस प्रक्रिया को कहते हैं वर्मी कल्चर। इस प्रक्रिया को वर्मी कल्चर के नाम से जानते हैं। केंचुए की खाद ये NPK जिंदगी भर पीछा नहीं छोड़ेगा, नौकरी लग भी गए ना ये सारी चीजें आपकी जिंदगी में आएगी। ऐसा समझ लो जैसे टीचर बनने से पहले BED करते हैं ना, वैसे तुम्हारी BED हो रही है, नौकरी लगने से पहले सब सिखाया जा रहा है, नौकरी लगने के बाद में इन इन चीजों से पाला पड़ने वाला है और हर चीज से पाला पड़ने वाला है। कृत्रिम गर्भाधान आपने इतना पढ़ा है, भाई साहब वहां जाकर के सब ये हाथों से आपको करना पड़ेगा। जहां तक मैंने देखा है डॉक्टर आपको वहां पे शानदार ट्रेनिंग देंगे। ये जितना भी कृत्रिम गर्भाधान है ये करने वाले सब आप लोग होंगे, रियल चीज है। डॉक्टर खुद से हाथ से काम नहीं करते, गाइड करेंगे, भाई साहब ऐसे कर ये उठा ये ले, ये सब काम करना आपको पड़ेगा। जहां तक हमने हॉस्पिटलों में देखा है सब प्रैक्टिकली आपको करना पड़ेगा, और करने से पहले ट्रेनिंग आपकी हो रही है। कृत्रिम गर्भाधान कैसे करते हैं, क्या आर्किडेक्टोमी होती है, क्या बार्डी जो कॉन्स्ट्रेटर होता है, इलास्ट्रेटर मेथड थी, सब पढ़ा पढ़ने, ये सारी की सारी विधियां आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। नौकरी लगते ही दूसरे दिन वो उपकरण तुम्हारे तैयार है, बार्डी जो कॉन्स्ट्रेटर लाओ बैल को कर देते अभी है, ओपन सर्जिकल मेथड, आर्किडेक्टोमी, ओफोरेक्टोमी पढ़ा है ना, हाँ सारी प्रक्रियाएं करनी पड़ेगी। वर्मी कंपोस्ट लगाने पड़ेंगे, पशुपालन का भाग है। वर्मी कंपोस्ट लगाओगे तो उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, एक तो इनकी मात्रा पूछी जाती है। गोबर की जो खाद वर्मी कंपोस्ट में बदलती है केंचुओं के द्वारा, तो उसमें नाइट्रोजन 1.5 से 2.5%, ज्यादा नाइट्रोजन होगी पौधे जल जाएंगे, ये एक औसत और उचित मान होता है। फास्फोरस
1.6 से 1.8%, 2% भी नहीं है। पोटेशियम 1 से 1.5%, और शायद कल परसों ही आपने लिखा था कि पोटेशियम पेड़ पौधों के अंदर रंध्रों को खोलने बंद करने का काम करता है, पढ़ा था, ये छोटे छोटे पॉइंट याद रख लेना। यस, अब शानदार बात ये है कि जो केंचुए की खाद होती है उसमें एक जीवाणु पाया जाता है, एक्टिनोमाइसिटिज शब्द लिखा हुआ है, एक्टिनोमाइसिटिज। पहली बार पढ़ने में दिक्कत होगी लेकिन तीसरे चौथे दिन आप मास्टर बन जाओगे। एक खाद, क्या नाम, जीवाणु है जिसका नाम है एक्टिनोमाइसिटिज। ये जो गोबर की खाद होती है उसकी तुलना में जो केंचुए की खाद बनती है उसमें ये 8 गुना ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है, पौधे को मरने नहीं देगा। 8% ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता किसके कारण? एक्टिनोमाइसिटिज, जीवाणु के कारण। ये जीवाणु गोबर की जो खाद बनती है, गोबर गैस प्लांट से जो खाद बनती है उसमें नहीं होता है, ये केवल केंचुए की खाद में पाया जाता है। अच्छा पॉइंट है, परीक्षा में हेल्प करेगा, एक्टिनोमाइसिटिज जीवाणु। ओके, वो फलीदार पौधों की जड़ों में कौन सा था? हाँ, राइजोबियम, राइजोबियम है ना, शब्द पढ़ते ही तुम्हारे दिमाग में पक्का एक साला गलत बोलेंगे, पता है परीक्षा में सही कर लोगे। ओके यस, और उस जीवन को क्या नाम दिया था? सहजीविता कहते हैं, सहजीविता। और फलीदार पौधों की जड़ों में पाए जाते फलीदार पौधों को क्या कहते हैं? लेग्यूमिनेसी कहते हैं, पढ़ा है ना, उसको कहते हैं लेग्यूमिनेसी, लेग्यूमिनेसी के नाम से जानते हैं। अरे वो केंचुए में 14, 15, 16, 17, 18 उस भाग को क्या कहते हैं? हाँ देखो तो ढक्कन बंद है सब दिमाग के, हाँ उसको कहते हैं पर्याणिका, उसको कहते हैं क्लाइटेलम। मानव किस परिवार का है? मानव मेमेलिया, केंचुआ एनेलिडा। देखो तुम्हारी मेमोरी कितनी हैंग हो रही है। चलो, तो इस जीवाणु का नाम है एक्टिनोमाइसिटिज। केंचुए की खाद के अंदर गोबर खाद की तुलना में 8% ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता पैदा करता है। पोटेशियम 1 से 1.5% तक, नाइट्रोजन 1.5 से 2.5% तक, पोटेशियम, फास्फोरस, ये सारी मात्रा इसमें दे रखी है। अब बात करते हैं केंचुए की प्रजातियों के बारे में। केंचुए की प्रजातियां अलग अलग प्रकार की होती है। सबसे पहले जो प्रजाति है, इस प्रजाति का नाम है एपेजिक प्रजाति। 2 नंबर प्रजाति का नाम है एंडोजिक प्रजाति, और तीसरी का नाम है डायोजिक प्रजाति। 3 ही है, ज्यादा कोई दिमाग में लोड नहीं लेना, सिंपल याद भी हो जाएगा। एंडेमिक प्रजाति का मतलब ऐसी प्रजाति जो जमीन के अंदर 1 मीटर गहराई तक पाई जाती है। केंचुए है और केंचुए पाई भी जाती है जमीन में, कभी आप खोदो ना तो पतले पतले लट्टे निकलती है केंचुआ। हमारे तो खेतों में डाले हुए, हम खेती बाड़ी करते हैं ना, वहां पे डालते भी हैं, पतले से होते हैं, हाथों में लेकर के देखो आप, काटते वाटते कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम सिंपल टाइप के, बहुत गरीब होते हैं। और कृषि विज्ञान केंद्र पे जाओ तो वहां पे वो नॉर्मल कागज में पैक करके ना आपको देते भी हैं, सिंपल भाव होता है, 30-35 रुपये आपको, आप जाओगे तो वहां अवेलेबल हो जाएंगे। बाकी 250-300 रुपये किलो बेचते हैं वो केंचुए, और लाओ घर में आपने जहां पे गोबर इकट्ठा कर रखा है उसको डाल दो खड्डे में, ऊपर पानी छिड़क दो, अंदर केंचुए डाल दो। और केंचुओं की अच्छी खासियत है गोबर काटते रहेंगे आगे जाते रहेंगे, पीछे से आप भले पावड़े से खोद के भर के रवाने हो जाओ अंदर केंचुआ नहीं आएगा, केंचुआ केवल ताजे गोबर में होगा, खाद जो बन गई उसमें केंचुआ नहीं रहेगा। शानदार प्रक्रिया होती चलती है। और ये एपेजिक प्रजाति, एपेजिक का मतलब जमीन के अंदर खाद के अंदर 1 मीटर की गहराई तक पाए जाते हैं। और दूसरी अच्छी बात है कि ये कार्बनिक खाद को ज्यादा खाते हैं, मिट्टी को नहीं खाते, मिट्टी की मात्रा कम खाते हैं लेकिन कार्बनिक खाद की मात्रा ज्यादा खाते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, तो इसमें 3-4 प्रजातियों के नाम है। पहली प्रजाति याद रखना, राजस्थान में जो सबसे ज्यादा पाई जाती है उस प्रजाति का नाम है आइसिनिया फोइटिडा, आइसिनिया फोइटिडा। अभी केंचुए में एक जीवाणु का नाम आया था, हाँ एक्टिनोमाइसिटिज, एक्टिनोमाइसिटिज। राजस्थान में जो केंचुआ सबसे ज्यादा पाया जाता है उसका नाम है आइसिनिया फोइटिडा, आइसिनिया फोइटिडा। परीक्षा में आएगा मतलब आएगा, बाकी प्रजातियां ही नहीं है, देगा क्या परीक्षा में? राजस्थान में सबसे ज्यादा केंचुए की पाई जाने वाली प्रजाति आइसिनिया फोइटिडा। ये आइसिनिया फोइटिडा कैसी प्रजाति है? एपेजिक प्रजाति। एपेजिक का मतलब जो कार्बनिक खाद को ज्यादा खाती है, मिट्टी को कम खाती है, और ये जमीन की कितनी गहराई में? 1 मीटर की गहराई तक पाए जाते हैं। खत्म। दूसरा, दूसरे का नाम है फेरेटिमा पोस्तुमा,
ये तो पता ही है, लेकिन ध्यान रखना पूरे विश्व के अंदर सबसे ज्यादा जो केंचुए की खाद के लिए जो केंचुआ यूज किया जाता है उसका नाम फेरेटिमा पोस्तुमा। पूरे विश्व में फेरेटिमा पोस्तुमा, राजस्थान में आइसिनिया फोइटिडा, आइसिनिया फोइटिडा याद रहोगे। तीसरा है फेरेटिमा इनोलिगेटा, और चौथे का नाम है क्या लिखा है, पेरिनेप्सिस ऑरवेसिन कोला, नाम थोड़े खतरनाक है, दिक्कत कर सकते हैं, ध्यान रखना। ओके, तो ये चारों प्रजातियां एपेजिक प्रजाति मानी जाती है। अगली का नाम है एंडोजिक प्रजाति, ये मिट्टी की गहराई में 3 मीटर तक पाई जाती है, 8-10 फीट तक पाई जाती है, 3 मीटर, और मिट्टी को ज्यादा खाती है, कोई काम की नहीं प्रजाति, तो इसको कहते हैं एंडो। एंडो का मतलब बहुत अंदर की तरफ पाई जाती है। और तीसरी का नाम है डायो, डायो का मतलब दोनों का काम करती है। ये प्रजातियां 1-3 मीटर तक पाई जाती है, दोनों का काम करती है, किसका, एपेजिक और एंडोजिक का। इसमें कोई प्रजाति का नाम है ही नहीं, कोई प्रजाति का नाम है ही नहीं, केवल एपेजिक प्रजाति। 3 टाइप की प्रजातियां, एपेजिक एंडोजिक डायोजिक, एपेजिक एंडोजिक डायोजिक। एपेजिक के अंदर सबसे बेस्ट और राजस्थान में जो पाली जाती है उसका नाम आइसिनिया फोइटिडा, है ना, आइसिनिया फोइटिडा, और पूरे विश्व के अंदर फेरेटिमा पोस्तुमा। बाकी वाले थोड़े खतरनाक है, आएंगे तो याद रह जाएंगे त्यों, क्योंकि इधर की तरफ कोई प्रजाति का नाम है ही नहीं। यस, आप लोग हेडिंग नोट करो, वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट में फर्स्ट पॉइंट आप नोट करो, लिखो केंचुआ केंचुआ एनेलिडा वर्ग का जीव है। केंचुआ एनेलिडा वर्ग का जीव है, एनेलिडा वर्ग का जीव है। आपने कल वर्मी कल्चर लिख लिया था, खाद प्राप्त करने की जो अध्ययन की विधि उसको वर्मी कल्चर कहते, नोट कर लिया था। यस, अगला पॉइंट आप नोट करो, इसके अंदर कौन कौन सी मात्रा कितने कितने परसेंट तक पाई जाती है। यस, नेक्स्ट आप नोट करो, लिखो वर्मी कंपोस्ट में तत्वों की प्रतिशत मात्रा, वर्मी कंपोस्ट में तत्वों की प्रतिशत मात्रा, वर्मी कंपोस्ट में तत्वों की प्रतिशत मात्रा, वर्मी कंपोस्ट में तत्वों की प्रतिशत मात्रा में, इसको नोट करो। 1 नंबर पे लिखो आप नाइट्रोजन। पेड़ पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं, नाइट्रेट। छोटे छोटे प्रश्न परीक्षा में आएंगे, मतलब आएंगे, लंबा चौड़ा सिलेबस है ही नहीं, बाकी पूछने के लिए कोई प्रश्न नहीं बनता है। पेड़ पौधे नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं, NO3-, और इसको कहते हैं नाइट्रेट, नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। यस, नाइट्रोजन 1.5-2.5% है। फॉस्फोरस की मात्रा, फॉस्फोरस 1.6-1.8%, और 30 नंबर पे लिखा हुआ है पोटेशियम, और पोटेशियम की मात्रा 1-1.5% तक। एक लाइन छोड़ के आगे नोट करो, लिखो केंचुओं की खाद में एक्टिनोमाइसिटीज, केंचुओं की खाद में एक्टिनोमाइसिटीज जीवाणु गोबर से निर्मित खाद
की तुलना में 8 गुना अधिक, गोबर से निर्मित खाद की तुलना में 8 गुना अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता, 8 गुना अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करती है, उत्पन्न करते हैं, ऐसा नोट कर लेना। समझ जाओगे आप, केंचुए की खाद में रोग प्रतिरोधक, रोगों से लड़ने की क्षमता गोबर की खाद से 8 गुना ज्यादा होती है। उसका कारण, ये एक जीवाणु पाया जाता है और जीवाणु का नाम है एक्टिनोमाइसिटिज, एक्टिनोमाइसिटिज। नेक्स्ट आप नोट करो, केंचुए की प्रजातियां, केंचुए की प्रजातियां केंचुए की प्रजातियां केंचुआ कौन से वर्ग का है? एनेलिडा। पेड़ पौधे नाइट्रोजन को किस रूप में ग्रहण करते हैं? नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। एक नंबर पे लिखो एपेजिक, 3 प्रजातियां हैं, एपेजिक, एंडोजिक, डायोजिक। केंचुए की पहली प्रजाति एपेजिक प्रजाति, यह यह 1 मीटर की गहराई में उपस्थित जो कार्बनिक खाद का अधिक उपयोग, कार्बनिक खाद का अधिक उपयोग करते हैं, कार्बनिक खाद का अधिक उपयोग करते हैं जबकि मिट्टी का उपयोग कम करते हैं, कार्बनिक खाद का अधिक उपयोग करते हैं जबकि मिट्टी का उपयोग कम करते हैं, मिट्टी का उपयोग कम करते हैं। नेक्स्ट, एक नंबर पे आप प्रजाति का नाम लिखो आइसीनिया फोइटिडा। आइसीनिया के आगे नोट करो, यह प्रजाति राजस्थान की जलवायु के लिए, राजस्थान की जलवायु के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, राजस्थान की जलवायु के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है, राजस्थान की जलवायु के लिए सर्वाधिक उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट आप नोट करो, 2 नंबर पे फेरेटिमा पोस्थुमा। फेरेटिमा पोस्थुमा, आगे लिखो, विश्व में सर्वाधिक वर्मी कंपोस्ट की प्राप्ति। केंचुए की खाद को क्या कहते हैं? सर्वाधिक वर्मी कंपोस्ट की प्राप्ति होती है, विश्व में सर्वाधिक वर्मी कंपोस्ट की प्राप्ति फेरेटिमा पोस्थुमा के, और राजस्थान की जलवायु के लिए आइसीनिया फोइटिडा। अब आगे 2 प्रजातियां और हैं, इनके भी नाम आप नोट कर लो। एक प्रजाति का नाम है फेरेटिमा इनलोगेटा, और चौथी प्रजाति का नाम है
ऑर्वेसी कोला, ऑर्वेशी कोला, पेरीनेप्सिस ऑर्वेशी कोला, पेरीनेप्सिस ऑर्वेशी कोला, राजस्थान की विशेष करके याद रख लेना, आइशिनिया फोइटिडा, ये राजस्थान में सबसे ज्यादा, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली और खाद बनाने वाली का नाम है फेरिटिमा पोस्तुमा। और ये दो प्रजातियां, ये एंडोजिक प्रजातियां हैं, इसलिए अपने को पढ़ने पड़ती है ना। नेक्स्ट आप लोग नोट करो, यस, नेक्स्ट प्रजातियों के नाम आप नोट करो, लिखो आगे एंडोजिक प्रजातियां, ये एपिजिक थी, नेक्स्ट आप नोट करो एंडोजिक। एपिजिक प्रजातियों में चार एग्जाम्पल थे, एंडोजिक प्रजाति, एंडोजिक के आगे नोट करो, यह जमीन की गहराई में तीन मीटर तक उपस्थित तथा मिट्टी का उपयोग अधिक करते हैं नेक्स्ट डायोजिक प्रजाति यह जमीन में 1 से 3 मीटर तक उपस्थित 1 से 3 मीटर तक उपस्थित एपेजिक तथा एंडोजिक दोनों प्रजातियों के लक्षण पाए जाते हैं। एपेजिक एंडोजिक दोनों प्रजातियों के लक्षण पाए जाते हैं। एपेजिक और एंडोजिक दोनों प्रजातियों के लक्षण पाए जाते हैं। नोट कर लिया आप लोगों ने? यस, ये थी केंचुए की प्रजातियां, और इनको वापस एक बार लिख लेना, प्रजातियां तीन टाइप की है। सबसे पहली प्रजाति का नाम है एपेजिक प्रजाति, एपेजिक प्रजाति 1 मीटर तक होती है, एंडोजिक प्रजाति 3 मीटर तक होती है, और डायोजिक प्रजाति 1 से 3 तक होती है। राजस्थान में सबसे ज्यादा आइसिनिया फोइटिडा, ओके, पूरे विश्व के अंदर फेरिटिमा पोस्तुमा, और ये 1 से 3 मीटर। और जो डायोजिक प्रजाति है उसमें एपेजिक और एंडोजिक दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, ये अपन नोट किया है। इससे पहले अपन ने पढ़ा है वर्मी कंपोस्ट में तत्वों की प्रतिशत मात्रा, अच्छे से याद करोगे, बार बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। नाइट्रोजन 1.5 से 2.5, पोटेशियम 1 से 1.5, और नाइट्रोजन पोटेशियम के बाद में फॉस्फोरस 1.6 से 1.8 तक पाए जाते हैं, और इसके अध्ययन को कहते हैं वर्मी कल्चर। और इसकी जो खाद होती है उसमें पाया जाता जीवाणु जिसका नाम है एक्टिनोमाइसिटीज, और ये एक्टिनोमाइसिटीज गोबर की खाद की तुलना में 8 गुना ज्यादा रोग प्रतिरोधक क्षमता देता है। अगला पॉइंट आता है कि केंचुए में जनन कैसे होता है, तो ये तुम लोग पहले ही जानते हो कि केंचुए में द्विलिंगी जनन की प्रक्रिया होती है, और केंचुए में जब द्विलिंगी जनन की प्रक्रिया होती है तो केंचुआ 1 सप्ताह में 2 कोकून तैयार करता है, अंडे 2 कोकून तैयार करता है, 1 सप्ताह में 2 कोकून तैयार करता है, 6 महीने में 250 की फौज तैयार कर देता है, ओके, तो ये थोड़ी सी याद रखना, 1 सप्ताह के अंदर 2 कोकून तैयार होते हैं। ये प्रश्न भी आता है, नया केंचुआ किस संरचना से निर्मित होता है, कोकून से तैयार होता है, कोकून, तुम्हारे सिलेबस में रेशम कीट भी है जिसको सेरीकल्चर कहते हैं, याद रख लेना, सीधा प्रश्न आता रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं, सेरीकल्चर के नाम से जानते हैं। और सेरीकल्चर जब अपन प्राप्त करते हैं ना तो उसमें रेशम प्राप्त होता है, और रेशम भी कौन सी प्राप्त अवस्था से प्राप्त होता है, तो वहां पे भी ध्यान रखोगे नाम आएगा कोकून, किस में नाम आएगा,
रेशम कीट में, रेशम कीट सहतूत के पौधों पर पाला जाता है। छोटी छोटी चीजें हैं, परीक्षा बहुत हेल्प करेगी। यस, तो अपन कैंचुए में जनन पढ़ रहे। कैंचुआ एक द्विलिंगी जनन की प्रक्रिया से गुजरता है। एक सप्ताह में दो कोकून तैयार होते हैं और 6 महीनों में 250 कैंचुए तैयार कर लेता है। और कौन से वर्ग का जीव? एनेलिडा। कितने खंड होते हैं? 120 खंड पाए जाते हैं। पर्याणिका कहाँ पाई जाती है? 14 से 18 में पाई जाती है। 14 के अंदर मादा, 18 में, ये तुम लोगों ने वो ट्रिक पकड़ रखी ना, उसे बोल रहे हो, बाकी तो याद नहीं रहता है ना। सामान्य नर आगे मादा पीछे, कैंचुए में मादा आगे नर पीछे, और खुद स्वजनन नहीं कर सकता, कारण पूर्वता पाई जाती है। पुरुष के जनन अंग पहले विकसित हो जाते हैं, मादा के जनन अंग लेट विकसित होते हैं। यस, हेडिंग नोट करवा के, कैंचुए में जनन तथा वृद्धि, कैंचुए में जनन तथा वृद्धि, कैंचुए में जनन तथा वृद्धि। यस, फर्स्ट पॉइंट आप नोट करो, कैंचुआ एनेलिडा वर्ग का जीव, एनेलिडा वर्ग का जीव। नेक्स्ट पॉइंट, शरीर 120 खंडों में विभाजित, शरीर 120 खंडों में विभाजित। नेक्स्ट, द्विलिंगी कोष्ठक बाईसेक्सुअल जीव होता है, द्विलिंगी जीव होता है। नेक्स्ट नोट करोगे, खंड 14 से 18 तक को पर्याणिका, 14 से 18 तक के खंड को पर्याणिका क्लाइटेलम कहते हैं। 14 से 18 खंड, 14 से 18 तक पर्याणिका क्लाइटेलम कहते हैं, क्लाइटेलम कहते हैं। नेक्स्ट आप नोट करो, 14वें खंड में कौन से? मादा जनन अंग, मादा जनन अंग। और 18वें खंड में, 18वें खंड में नर जनन अंग, नर जनन अंग उपस्थित होती है। 14 से 18 तक को कहते हैं पर्याणिका, 14वें में मादा, 18वें में नर जनन अंग। नेक्स्ट पॉइंट आप नोट करो, कैंचुए में, कैंचुए में पूर्वता, कैंचुए में पूर्वता, पूर्वता, पूर्वता के कारण स्वजनन नहीं होता है। सेल्फ रिप्रोडक्शन, स्वजनन नहीं होता है। और इस पूर्वता का मतलब होता है नर जनन अंग, नर जनन अंग पहले विकसित होना। नर जनन अंग मादा से पहले विकसित हो जाते हैं, तो इसमें पूर्वता पाई जाती है। प्रोजोगाइनी होती है तो मादा जनन अंग लेट विकसित होते हैं। साथ साथ लिख रहे हो? ओके, अगला पॉइंट आप नोट करो, केंचुआ एक सप्ताह में 2 कोकून तैयार करता है, केंचुआ एक सप्ताह में 2 कोकून
तैयार करता है, एक सप्ताह में दो कोकून तैयार करता है, एक सप्ताह में दो कोकून। नेक्स्ट पॉइंट, छह माह में 250 केंचुए, सिंगल एक केंचुआ 6 महीने में 250 केंचुए उत्पन्न करता है, 250 केंचुए उत्पन्न करता है। रेशम कीट को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। और कौन से पौधे पर पाले जाते हैं? शहतूत के पौधे पर पाले जाते हैं। अगला पॉइंट आता है कि केंचुओं से खाद कैसे तैयार करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, केंचुओं से खाद कैसे तैयार करते हैं। तो केंचुओं से खाद तैयार करने के लिए हम वैसे कृषि विज्ञान केंद्र के पास में रहते हैं और आसपास के जितने भी किसान परिवार हैं सबके जो खेती बाड़ी करते हैं सबके ऊपर कृषि विज्ञान केंद्र जिसको कहते हैं KVK, कृषि विज्ञान केंद्र। और कहाँ पर आया हुआ है? दांता मारूड़ी इधर की तरफ एक गाँव है, आप रामसर की तरफ जाते हैं तो बीच में आता है इधर। और सबसे बड़ा बाजरा अनुसंधान केंद्र भी यहीं पे है, रिसर्च चल रहा है शानदार। तो वो लोग क्या करते हैं, सिंपल ऐसी ओदिया बना के जाते हैं, पतली जो पार्टीशन की ईंटें आती है ना, पतली वाली 3 इंच वाली, उसकी बनाते हैं, 4 फिट हाइट देते हैं और 15 फिट लंबाई देते हैं। 4 फिट हाइट देंगे, 4 फिट हाइट ऐसे 15 फिट लंबाई दे देते हैं, 4 फिट इसकी हाइट दे देते हैं और इसकी जो चौड़ाई रखी जाती है दो यानी कि 4 फिट तक रखी जाती है, बीच में एक पार्टीशन कर देते हैं और पार्टीशन के अंदर ईंटें लगा देते हैं, ईंटों के बीच में होल कर देते हैं। इधर भरवाते हैं गोबर, घर का कचरा, फलों के छिलके, कुछ भी मिले बस वो प्लास्टिक नहीं होना चाहिए, कांच नहीं होना चाहिए, कोई धातु के टुकड़े नहीं होने चाहिए, कोई एल्यूमिनियम नहीं होना चाहिए, डालो अंदर। एक तरफ ओदी जब भर जाए तब कृषि विज्ञान केंद्र वाले खुद आते हैं, केंचुए लेके डाले अंदर, फिर कहते हैं कि हमेशा एक एक पानी बाल्टी डालते रहना, एक एक पानी की बाल्टी डालोगे तो इसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस तक रहेगा, केंचुए मरेंगे नहीं, नहीं तो ज़्यादा गर्मी होगी, गोबर अंदर से गर्म है, ऊपर गर्मी होगी, बेचारे फ्राई हो जाएंगे अंदर ही अंदर, तो उसको प्रोटेक्ट करना पड़ता है। और फिर जैसे ही केंचुए इधर की खाद को खाते हैं तब तक तुम सामने वाला पोर्शन भर दो। केंचुआ भाई साहब यूँ बदमाशी नहीं करता कि आपने उधर डाला नया खाद उधर चले जाएगी, नहीं, एक सिरे से यूँ काटना स्टार्ट करते हैं, जैसे काटते 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 ये इधर का पोर्शन कंप्लीट बना दिया, फिर केंचुए उधर चले जाते अपने आप, तुम इधर की खाद को उठाओ डालो खेत के अंदर, क्या मस्त उत्पादकता आती है। ये वर्मी कंपोस्ट से खाद बनाने की बहुत अच्छी विधि रहती है। अब अपनी बुक कहती है कि ऐसे 40 फिट लंबा कोई ओद बना दो, इसकी चौड़ाई रखी जाती है 4 फिट और गहराई भी रखी जाती है 4 फिट, और ये नॉर्मल जो आते हैं तो ये 15 या 20 फिट तक की ओदियाँ बनाते हैं, ये किताबें कह रही है कि 40 फिट लंबा ओद बनाते, 4 फिट चौड़ा, 4 फिट गहराई दे देते हैं और इसके अंदर 2.5 किलो केंचुए डाल देते हैं, और 2.5 किलो केंचुए डाल देते हैं तो खाद को बनने में 60 दिन लगते हैं, 2 महीने लगते हैं, नॉर्मल इधर भी लग जाते हैं 2 महीने तक। और ये ओदी बहुत बड़ी होती है, भरती भी नहीं है, नॉर्मल आपके घर में 3-4 गायें हैं तो भरती भी नहीं है, ओके। और अगला लिखा है कि अगर 1000 केंचुए हैं एक दिन में 5 किलो खाद तैयार कर लेते हैं, कितने केंचुए 1000, कितने दिन में, एक दिन में 5 किलो खाद तैयार कर लेते हैं, बहुत कॉस्टली होती है, अच्छी बिकती है, और 1000 केंचुए एक थैली ले जाओगे ना अंदर 2000 आ जाते हैं, तो ये सस्ती रेट पर होते हैं, बहुत जो इसका खेतीबाड़ी करते हैं लाखों में कमाते हैं, बहुत पैसे है इसे कमाने के लिए, तो ये सिस्टम भी इसमें तैयार किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग आप नोट करो, केंचुए से खाद तैयार करना, केंचुए से खाद तैयार करना, ये आजकल ईंटों की ओदियाँ बनाते हैं, जमीन में नहीं डालते हैं, जमीन में डालते हैं ना तो खुद कुछ केंचुए उसके अंदर एंडोजेनिक होते हैं, वो उस गड्ढे को गोबर को छोड़ के जमीन में घुस जाते हैं, ओदी बनाओगे ना तो फिर बाहर नहीं निकल पाते, वैसे निकलते हैं साले भाग के जाते बहुत है, यूँ ईंट से चिपक चिपक इन ऐसे यूँ चलते रहते हैं, बाहर निकल भी जाते हैं, और छोटे बच्चों के खेलने के लिए बहुत अच्छे से होते हैं, आप दो उनको दिन भर बैठे रहते कहीं भाग के भी नहीं जाएंगे, नहीं छोटा टाबर एक जगह बहे बांध के रखना पड़ता है, नहीं तो दे दो खेलते रहते आराम से, शानदार सिस्टम होता है। लिखो आप इसके लिए, लिखो इसके लिए खाद तैयार करना, इसके लिए 40 फीट लंबी
चार फीट चौड़ी तथा चार फीट गहराई ईंटों से होज तैयार किया जाता है, जिसको अपन ओदी बोलते हैं, उसको किताबों में होज लिखा जाता है। होज तैयार किया जाता है नेक्स्ट लाइन, इसमें 2.5 किलो 2.5 किलो केंचुए 60 दिन में 2.5 किलो केंचुए 60 दिन में खाद तैयार कर देते हैं। 2.5 किलो केंचुए खाद तैयार कर देते हैं। नेक्स्ट लाइन में आप नोट करो, लिखो 1000 केंचुए, 1000 केंचुए प्रतिदिन, 1000 केंचुए प्रतिदिन 5 किलो खाद तैयार करते हैं। 1000 केंचुए प्रतिदिन 5 किलो खाद तैयार करते हैं। 1000 केंचुए प्रतिदिन 5 किलो खाद तैयार करते हैं। यस, एक अपना छोटा सा पॉइंट दे रखा है पीछे के यूनिट में दे रखा है कि गौशाला की साफ सफाई में क्या क्या ध्यान रखोगे, ये पॉइंट भी ध्यान रखना पड़ेगा आपको, क्योंकि नौकरी लगने के बाद में गले में जब आईडी कार्ड आ जाएगा ना, तो फिर किसी भी गौशाला का इंस्पेक्शन करने जा सकते हो, और जो गौशाला खोल के बैठा उसका लाइसेंस है, और उसको धमकाने डरने का अधिकार आपके हाथ में होगा, ये क्या कर रखा है इधर, ये क्या कर रखा है, और आपको पता है कि इसके क्या क्या रूल्स रेगुलेशन होते हैं। तो अच्छी जो गौशाला होती है, सबसे फर्स्ट पॉइंट, उस पर छत जरूरी है, पहला पॉइंट। कोई भी गौशाला होगी तो गौशाला के ऊपर छत जरूरी है। सेकंड पॉइंट, अगर चारों तरफ बाउंड्री कर रखी है और बाउंड्री में होल नहीं है, छोटे छोटे अगर ईंटों के बीच में जगह नहीं है, बुलडोजर लाओ गिराओ, अधिकार है आपको, होल होने जरूरी है। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भारी गैस है, होल दीवारें आपने खड़ी कर रखी ऊंची ऊंची, उससे अंदर ऑक्सीजन कम पहुंचेगी, पशु खड़े खड़े नीचे गिर जाएंगे, बीपियां, सारा कुछ सिस्टम होगा। दीवारों के बीच में होल जरूरी है। अभी बुला कारीगर मेरे सामने, कर इसको, है ना। तो सेकंड पॉइंट, ईंटों के बीच में छोटे छोटे होल, बोले तो छिद्र होने जरूरी है। तीसरा पॉइंट, पूरी गौशाला पैक कर रखी है, प्राकृतिक रोशनी नहीं आ रही है, विटामिन डी नहीं मिल रहा है, हटाओ उसको फटाफट, दीवारों को नष्ट करवा सकते हो, आपके अधिकार होंगे। तो तीसरा पॉइंट, प्राकृतिक प्रकाश की, प्राकृतिक रूप से जो प्रकाश है ना, प्रकृति का जो प्रकाश है, ये उसमें उपलब्ध होना बहुत जरूरी है। चौथा पॉइंट, नियमित प्रतिदिन साफ सफाई जरूरी है, नियमित सफाई, प्रतिदिन साफ सफाई जरूरी है। तो प्रतिदिन साफ सफाई, प्रतिदिन साफ सफाई जरूरी है। चौथा पॉइंट, प्रतिदिन साफ सफाई भी करोगे प्लस उसके अंदर रोग प्रतिरोधक डिटॉल से जहाँ पे गोबर मल मूत्र है वहाँ पे उसका छिड़काव भी जरूरी है, नहीं तो खूब सारे पशुओं में रोग फैलते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा रोग फैलता पशुओं में एंथ्रेक्स, खुरपका, मुंह पका कहते हैं, साइड में यहाँ पे ऐसे छोटे छोटे निकलने स्टार्ट हो जाती है पशुओं में, तो वो जरूरी है। तो पाँच नंबर पॉइंट कहता है कि फर्श क्लीनर डालोगे, फर्श क्लीनर, फर्श क्लीनर लगाओगे। आप गए वहाँ पे, भाई साहब एकदम मस्त आंगना कर रखा है, टाइलें लगा रखी है, लाओ बुलडोजर उठाओ। आंगन हमेशा खुरदरा होना जरूरी है, कभी भी चिकना आंगन, प्लास्टर कर रखा है एकदम शानदार, बाटा नहीं लगा रखा, टाइलें नहीं लगा रही, एकदम चिकना कर रखा है, चीनी ला अभी मेरे सामने, इसको खुरदरा कर, हमेशा आंगन खुरदरा होना जरूरी है। आंगन जो नीचे का फर्श है, वो फर्श हमेशा खुरदरा होना जरूरी है। आप गौशाला विजिट पे गए, किसी कॉर्नर में फिटकड़ियां नहीं रखी हुई है, अरे अपने गांव में पशुओं को देखा होगा, धूप चाटते हैं, कारण मुंह के अंदर
शरीर को नमक की आवश्यकता होती है, नमक जब शरीर में कम पड़ता पशु दूर चाटते हैं, इसके लिए गौशाला में आपने देखा होगा बड़ी बड़ी 20-20 किलो की फिटकड़ियां साइड में रखी होती है, दिन भर पशु चाटते हैं। और किसी गौशाला में आप चले जाओ ना तो देखना इतनी मोटी मोटी जैसे जबान से वो चाटते हैं ना, अंदर देखना ऐसे खाड़ियां बन जाती है, फिटकड़ी बड़े बड़े मोटे मोटे बाटे की तरह होती है, पशु चाटते रहते हैं दिन भर। जैसे पशु को लगता है यार अब मामला गड़बड़ हो रहा है, दस्ते होने वाली है, डायरिया होने वाला है, तो पशु जाकर के फिटकड़ी चाटते, चाटकते ही गोबर वापस ठोस होना स्टार्ट होती है, उनका भी बैलेंस है, पूरा शरीर मेंटेन करते हैं, तो उसके अंदर फिटकड़ी होना भी जरूरी। तो ये सारी चीजें गौशाला की साफ सफाई के अंदर जरूरी रहती है। यस, अपने पास में कुछ और भी पॉइंट है, उसको भी अपन दो देख लेते हैं। कहाँ पे गया ये पॉइंट? यस, ये पढ़ा गौशाला की साफ सफाई, पहला पॉइंट प्राकृतिक रूप से प्रकाश, सेकंड पॉइंट ईंट की अगर दीवारें हैं तो बीच में छिद्र होना जरूरी है, अगला पॉइंट छत जरूरी है, अगला पॉइंट घास का स्टोरेज। भाई साहब पशु लेके बैठे हो 500 और चारे के लिए कोई स्टोरेज है ही नहीं, फोन कर रहे आएगा डालेगा नहीं स्टोर और उसमें अंदर रख, ऐसा नहीं आएगा और डालेंगे पशु, भाई साहब सुबह से शाम तक इंतजार कर रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए, बर्दाश्त नहीं करोगे। और नौकरी लगने के बाद में दयालु प्रवृत्ति नहीं बन रहा है, इमोशनल चीज़ें फिर साइड में, धंधे पानी में कोई इमोशन नहीं होता है, अभी हाथों हाथ लाइसेंस रद्द होगा, लाइसेंस नया बनाने के लिए 2 लाख लगेंगे, बोल क्या करना है साहब, अभी मंगाता हूँ गाड़ी मंगाता हूँ, मंगा पास वाली जेब मंगा, इमोशनल नहीं चलेंगे फिर वहाँ पे। क्या लिखा है? घास का भंडारण जरूरी है, फिर प्रतिदिन साफ सफाई जरूरी है, अगला पॉइंट सतह रफ होनी चाहिए, खुरदरी होनी चाहिए, अगला पॉइंट रोगाणु मुक्त होना चाहिए और फर्श क्लीनर जरूरी है। ओके, यस, हेडिंग नोट करवा के गौशाला साफ सफाई। गौशाला, गौशाला साफ सफाई, साफ सफाई के अंदर फर्स्ट पॉइंट नोट करो, प्राकृतिक प्रकाश ओब्लिक प्रकाश की व्यवस्था, प्राकृतिक प्रकाश या प्रकाश की व्यवस्था, टेम्परेरी भी हो सकता है बट प्रकाश जरूरी है। सेकंड पॉइंट ईंटों की दीवारों के बीच ईंटे, ईंटों के लिए कई बार शब्द लिखा हुआ मिलता है, ब्रिक्स, ब्रिक्स दीवार, ब्रिक्स का मतलब ही होता है ईंट, ईंटों की दीवारों के बीच छिद्र होने जरूरी है, छिद्र होने आवश्यक है, ईंटों की दीवारों के बीच छिद्र होने आवश्यक है। नेक्स्ट पॉइंट छत अवश्य होनी चाहिए, छत रूफ, छत अवश्य होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट घास भंडारण, घास चारा फोडर घास भंडारण अवश्य होना चाहिए। अगला पॉइंट प्रतिदिन साफ सफाई, प्रतिदिन साफ सफाई जरूरी है। नेक्स्ट पॉइंट फर्श की सतह खुरदरी होनी चाहिए, फर्श की सतह खुरदरी होनी चाहिए। नेक्स्ट रोगाणु मुक्त वातावरण तथा फर्श क्लीनर का उपयोग होना चाहिए, रोगाणु मुक्त वातावरण तथा फर्श क्लीनर का उपयोग होना चाहिए। ओके, तो आज की क्लास को यहीं अपन फिनिश करते हैं।
आज आपने खूब सारी चीजों को पढ़ा है, घर जाके रिवीजन जरूर करना। ओके, टाइम के साथ पढ़ते रहोगे। वैकेंसियों के अभी फॉरम भले ही डिसअपॉइंटेड हो गए हैं, आगे पीछे हो गए, लेकिन आई है मतलब क्लियर करवाएगी। और जो लंबी रेस का घोड़ा होता है ना, जो अच्छा ड्राइवर होता है, वो भाई साहब गाड़ी जिस स्पीड से चलाता है, एक नया आकर के सीखता है। और जो नया सीख रहा है, अभी तक कैंची में पैर डाल के पीछे वाला है, पकड़ के रख, मैं गाड़ी चला रहा हूँ, और तुम लोग सीखे हुए हो, वो अभी सीखने की कोशिश में आएंगे, खूब सारी भीड़ आएगी और आकर के फिर सीखेंगे। और तुम लोग पहले से ड्राइवर हो, निकालोगे ना पास में से गाड़ी, हाँ ऐसे कैसे जा रहा है भाई साहब, लंबी रेस का घोड़ा है। और जो लंबी रेस के घोड़े होते हैं ना, उनका कोई तोड़ नहीं होता है, इसलिए मार्केट में वैकेंसी है। तैयारी करने वाले आएंगे नहीं आएंगे उसके फिक्र में मत रहना, अच्छे से करते रहो। और ये पढ़ा या नॉलेज कभी फालतू नहीं जाएगा, है ना। कभी सरस्वती अपना ऋण रखती नहीं है, चुकाएगी, और चुकाएगी भाई साहब इतना चुकाएगी कि झेल भी नहीं पाओगे, ये सच चीज़ें हैं। तैयारियां, मेरिट है 41% 40% जरूरी है, जो 41% लाता सिलेक्शन होता है, 41% आते नहीं साहब, सिलेक्शन नहीं होते, अरे पढ़ते ही नहीं हो। सरस्वती कभी अपना ऋण नहीं रखती है। ओके, तो बेस्ट आप लोग अभी बैठ के रिविजन करते रहो।